चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं रीड आउट करता हूँ। आप क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, आप लास्ट में एक साथ लिख लेना क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा लिखने का, क्योंकि क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। कुछ पास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग लेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन को अलग से, तो टाइम बचेगा थोड़ा सा हमारा, हम ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। थ्री रॉड्स ए बी एंड सी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एट 0°C। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है 0°C पे दे रखा है। रॉड्स ए बी एंड बी सी हैव सेम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ए बी एंड बी सी उसके सेम दे रखा है, ये ए बी है, ये बी सी है, ये सेम है। और डेटा देख के भी आपको पता चल जाएगा इसका अल्फा वन है, इसका अल्फा वन है। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको अल्फा वन दे रखा है, और ये मेंशन किया रखा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा वन है। एंड रॉड ए सी हैज अल्फा टू, मतलब ये वाली रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा टू है। तीनों के लेंथ को उसने एल वन एल टू एंड एल थ्री दिखा रखा है। तो इनिशियली आप इतना श्योर होकर कह सकते हैं कि एल वन एल टू एंड एल थ्री ये तीनों ही सेम होंगे और तीनों ही एल होंगे इनिशियली, है ना। तीनों की लेंथ इनिशियली सेम होगी क्योंकि इक्विलैटरल उसने ऑलरेडी कह रखा है। उसके बाद जब आप हीट करते हो सिस्टम को तो ऑब्वियसली ये तीनों का ही एक्सपेंशन कोफिशियंट अलग अलग है, तो तीनों के लिए एक्सपेंशन क्या आएगा, अलग अलग अमाउंट में आएगा। और अगर मतलब तीनों के लिए में से दो रॉड का तो सेम है और तीसरे का डिफरेंट है, तो जिन दोनों रॉड का सेम है उन दोनों का एक्सपेंशन सेम आएगा, और जो तीसरे का डिफरेंट है वो डिफरेंट एक्सपेंशन आएगा। तो इसलिए अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, अब आप इक्विलेटरल नहीं होगा एक्सपेंडेड लेंथ के बाद, ठीक है। तो इसके लिए अब करें क्या, उन्होंने पूछा है हमें इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज टू टी डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जीरो से टी पे लेके गए, व्हाट इज द चेंज इन द एंगल थीटा फॉर्म्ड बाय द रॉड ए बी एंड बी सी। मतलब यहाँ पे ए बी है, सॉरी यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है, और ये वाले एंगल में कितनी चेंज हो रही है आपको ये फाइंड आउट करना है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस चेंज इन एंगल, ठीक है। ये चेंज आपको निकालने का है, इस थीटा में ही चेंज फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, सिंस आपको ये पता है चेंजेस सारे छोटे होंगे, लेंथ के चेंजेस जो है एक्सपेंशन से छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, चेंजेस ऑफ लेंथ जो होते हैं ये छोटे होते हैं या बड़े होते हैं। अरे थर्मल एक्सपेंशन में जब हीट करते हैं तो लेंथ में जो चेंजेस दिखते हैं वो छोटे दिखते हैं या बड़े दिखते हैं, छोटे दिखते हैं। तो अगर चेंजेस बहुत छोटे होंगे लेंथ में, आपको बताया था ये चीज, आपको समझाया भी था कि ये नेकेड आई से कभी विजिबल चेंजेस नहीं दिखते आपको, आप स्केल मेजरमेंट नहीं करोगे तब तक आपको ये दिखेगा नहीं। तो नेकेड आई से देखने पे अगर लेंथ के चेंजेस नहीं दिख रहे तो एंगल के चेंजेस भी क्या होंगे, बहुत छोटे ही होंगे। और एंगल के अगर छोटे चेंज हैं तो इस केस में आपको एक चीज हमेशा समझ आना चाहिए कि जब भी छोटे चेंजेस के साथ आप डील करते हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू रिलेट दीज थिंग्स विथ सम काइंड ऑफ एरर फॉर्मूला, क्योंकि एरर फॉर्मूला आपको पता है कि तभी हम यूज करते हैं जब छोटे चेंजेस होते हैं, राइट। तो हमको कहीं ना कहीं उसको यूज करने की कोशिश करना चाहिए। सो व्हाट वी विल डू इज विल अज्यूम थीटा इज वेरिएबल, क्योंकि थीटा का वैल्यू इनिशियली तो 60 डिग्री है वो हमको पता है, बट बाद में 60 से चेंज होकर 60 कुछ प्लस समथिंग डी थीटा हो जाएगा, राइट, है ना। 60 से लेके 60 प्लस डी थीटा, डी थीटा माइट बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी और अ नेगेटिव क्वांटिटी डिपेंडिंग की, यू नो, कि किसकी एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कैसी दे रखी है। बट इतना पक्का है कि ये जो थीटा है ये चेंज कर जाएगा। सो लेट अस कंसीडर कि थीटा हैज चेंज टू फ्रॉम थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा, एंड उसमें लेंथ के चेंजेस करस्पॉन्डिंगली आपको पता चल जाएंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, व्हाट आई डू इज आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर वायर। So the first thing that I'm trying to do is I'm trying to relate the length with this angle, ठीक है। तो ये एंगल इधर से देखोगे तो ये थीटा बाई टू है। अब L1 और L2 तो सेम है, L1 और L3 का रिलेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। L1 और L3 बोलिए बेटा, आवाज बहुत कट रहा है, क्या वॉइस कटिंग बार बार कट रहा है, बार-बार लास्ट 10 मिनट से बहुत कट रहा है, डिस्टर्ब बहुत कट रहा है, हो रहा है आवाज कट रही है, बोलो एक मिनट। हां चलो अभी चेक करो, ठीक है भाई, आवाज मैनेजेबल है, मैनेजेबल है वॉइस, सर फिर कटा, फिर कटा, अब जैसे मैनेजर बोला उस समय कटा। ओके लेट्स सी, ठीक है चलो लेट्स सी। ओके सबसे पहला चीज हम क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है लेंथ चेंज होने वाला है और लेंथ के चेंज की वजह से एंगल चेंज होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और एंगल को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू रिलेट लेंथ विद द एंगल। अब देखो यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इनका एक रिलेशन लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं सभी। L1 लेंथ को किससे रिलेट करने को बोला, एंगल को, एंगल के साथ, क्योंकि एंगल का चेंज ही तो फाइंड करना है ना आपको, राइट। तो अगर मैं लेंथ का देखो थर्मल एक्सपेंशन में आपको लेंथ का कितना चेंज हुआ ये तो पता चल जाएगा, एंगल का चेंज पता नहीं है आपको। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि लेंथ से एंगल को रिलेट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर एरर फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है।
So L1 into sin theta by 2, that will be equal to L3 divided by 2. Correct? देखो एक बार चेक कर लो ज्योमेट्री से जो यूज किया, ठीक है? अब L3 को इस तरह से इनडायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि L3 is coming out to be 2 times of L1 into sin of theta by 2. अब इसका डिफरेंशियल चेंज ले लो, ठीक है? डिफरेंशियल चेंज लेना याद है आपको कि किसी भी एक्सप्रेशन का अगर डिफरेंशियल चेंज लेना होता है तो वी इमेजिन दैट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज बीइंग डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल एंड दैट लास्ट में फिर डी ऑफ दैट वेरिएबल लिख देते हैं, रिमेंबर? सो सेम चीज करना है. सो टेकिंग डिफरेंशियल चेंजेस, टेकिंग डिफरेंशियल चेंज ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशियल चेंज ऑन बोथ साइड्स. तो L3 का डिफरेंशियल चेंज विल बी dL3, राइट? करेक्ट है? L3 का डिफरेंशियल चेंज विल बी dL3. एंड RHS में 2 टाइम्स ऑफ अब L1 into sin theta by 2 है. और आपको L1 भी वेरिएबल दिख रहा है और sin theta by 2 भी वेरिएबल दिख रहा है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो पहले आप sin theta by 2 को वैसे ही छोड़ दो और फिर L1 का डिफरेंशियल चेंज ले लो. तो L1 का डिफरेंशियल चेंज विल बी dL1. फिर आप क्या करो, L1 को छोड़ दो एंड डिफरेंशियल चेंज ऑफ साइन थीटा बाई 2 ले लो. साइन थीटा बाई 2 का डिफरेंशियल चेंज लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 एंड फिर इसके साथ थीटा बाई 2 का डिफरेंशियल चेंज. सो दिस विल बी डी थीटा डिवाइड बाई 2. देखो आपको समझ आई नहीं आई है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में डी एल थ्री की वैल्यू लिख लो. डी एल थ्री का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, मतलब एल थ्री के चेंज लेंथ में कितना चेंज आएगा? आपको पता है ना, अगर आप डेल्टा एल बाई एल लिखते हो तो क्या लिखते हो, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा लिखते हो, राइट? डेल्टा टी कर लेते हैं, थीटा एंगल के लिए दिया हुआ, डेल्टा टी कर लेते हैं, राइट? तो अगर डी एल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी करना पड़ेगा, राइट? है ना, राइट? तो इसका एल थ्री वाले का इनिशियल लेंथ कितना था, एल, और उसका अल्फा कितना है, अल्फा टू है. तो देखो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, दिस विल बी एल इंटू अल्फा टू इंटू डी टी. क्लियर है क्या? dt की जगह ही यहाँ पे डेल्टा टी कर देते हैं, ठीक है? दिस इज डेल्टा टी, ठीक है? इधर फिर वापस से टू टाइम्स ऑफ यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, दिस विल बी साइन थीटा बाई 2 एंड dl1 की वैल्यू को लिखेंगे, सो दैट विल बी l1, सो विच इज l इंटू अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी एंड प्लस दिस विल बी l1, l1 की वैल्यू भी l है एंड इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 एंड दिस मल्टीप्लाइड डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2. आपको ये डेल्टा थीटा ही फाइंड आउट करना है, ठीक है? मैंने डी को बेसिकली डेल्टा से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया. अब बस वैल्यूज को रीअरेंज कर लेते हैं. हमको एंगल का चेंज निकालना था, देखो एंगल का चेंज निकल जाएगा यहाँ से. सो वट यू डू इज आप थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है? सो ये एल हो गया. अच्छा, एल सबसे कट जा रहा है ना, एल इज गेटिंग कैंसल आउट. देखो यहाँ से यहाँ पे एल, यहाँ पे भी एल है एंड यहाँ पे भी एल है. ये एल सबसे कैंसिल आउट हो गया. एल वैसे भी हमको दिया नहीं था उसने, बस इक्विलैटरल मेंशन किया था उसने. अब यहाँ से लिख लेते हैं, दिस इज अल्फा टू इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ दिस विल बी साइन थर्टी, क्योंकि थीटा बाई टू है सो साइन थर्टी हो जाएगा एंड इंटू अल्फा वन इंटू डेल्टा टी एंड प्लस टू टाइम्स ऑफ दिस विल बी कॉस थर्टी एंड इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा. ये टू और ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वॉट यू गेटिंग इज अल्फा टू माइनस ऑफ अल्फा वन इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू इंटू डेल्टा थीटा. सो देयरफॉर डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी टू टाइम्स ऑफ अल्फा टू माइनस अल्फा वन इंटू टेम्परेचर का चेंज एंड डिवाइडेड बाई रूट थ्री. एंड टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ था उसने, जीरो से टी डिग्री पे लिखे गया था. देखो पहले जीरो डिग्री पे था एंड बाद में टी डिग्री पे गया है. सो जीरो से टी लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे. तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, दिस इज टू टाइम्स ऑफ अल्फा टू माइनस अल्फा वन इंटू टी टी माइनस जीरो एंड डिवाइडेड बाई रूट थ्री. So this can be written as next step mein 2t into alpha 2 minus alpha 1 and divided by root 3. That's it. Ab angle badhega ya ghatega ye kiske upar depend karta hai? Alpha 2 alpha 1 ki value pe. Agar alpha 2 greater than alpha 1 hai to delta theta positive hai, which indicates angle increase karega. And agar aapka alpha 1 bada hai to us case mein alpha 2 minus alpha 1 will be negative quantity. Iska matlab ye hai ki angle ghatega. Theek hai? Samajh aa gayi sabko? Clear hai sabhi ko? Sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसको करने से पहले एक और अच्छा क्वेश्चन मुझे याद है, एक मिनट रुकिए, इसको इंसर्ट करते हैं. सपोज लिए ऐसा एक सिचुएशन है,
इमेजिन कोई एक बायमेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है, दिस इज बायमेटालिक स्ट्रिप एंड इस स्ट्रिप की थिकनेस, दोनों स्ट्रिप की थिकनेस आपको सेम दे रखी है, थिकनेस मैंने आपको डी दे रखी है, द थिकनेस इज डी, ठीक है, और इसकी लेंथ मेंशन कर रखी है, दिस लेंथ इज एल एंड एक स्ट्रिप मान लो, ये मेंशन कर देता हूं, अपर स्ट्रिप एंड लोअर स्ट्रिप हैज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एक्सपेंशन अल्फा वन एंड अल्फा टू रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड बाय द स्ट्रिप एट its center on heating it through an angle delta theta, अच्छा delta t कर देते हैं, delta t से हमने heat किया है और उसके बाद फिर इसमें आपको angle कितना subtend करेगा वो find करना है, आपको ये तो पता है ना heat करने पे bimetallic strip जो है वो थोड़ी curve कर जाती है, ये आपको पता है या नहीं पता है? Do you know this? हाँ सर पता है। अब basically आपको वो curve ही basically आपको क्या करना है? Find करना है कि उसका angle कितना subtend करेगा वो, ठीक? अच्छा यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि alpha one is greater than alpha two, ठीक है? ऊपर वाले strip का आपका alpha one बड़ा है। तो ये bend कैसा करेगा? Concave downwards होगा या concave upwards हो जाएगा? कैसा shape दिखने वाला है इसका? Concave upwards या concave downwards? बताओ। कैसा शेप दिखेगा इसका? क्या नहीं बोलेंगे आप? कनकेव अपवर्ड्स? अरे कनकेव अपवर्ड्स और कनकेव डाउनवर्ड्स, ऐसा वैसा क्यों बोल रहे हो? कनकेव डाउनवर्ड्स, कनकेव डाउनवर्ड्स ही होगा ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? आई होप नोबडी हैज कंफ्यूजन इन दिस। नहीं सर, नहीं सर, कनकेव डाउनवर्ड्स होगा तो उसको वैसे ही दिखा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि सेमी सर्कल तो एग्जैक्टली नहीं होगा, तो ऐसा करते हैं, ठीक है, समझ लग गया, ऐसा कुछ सिनेरियो होने वाला है। ये हमारा स्ट्रिप का अरेंजमेंट होने वाला बाद में, ठीक है। अब इस स्ट्रिप की अगर इमेजिन करो कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बात करें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा मिडिल स्ट्रिप से लेना है इसका, ठीक है, मिडिल से। तो ये रेडियस को हम लोग आर मान रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दिस रेडियस टू बी आर, ठीक है। तो इसके जब हम लेंथ ऑफ इनर स्ट्रिप निकालेंगे तो उसके लिए कौन सा, अगर ये सपोजली थीटा है, सपोजली ये थीटा है, तो इनर स्ट्रिप का लेंथ आप क्या बताओगे? बताओ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इनर स्ट्रिप ऑन हीटिंग? क्या बोलोगे आप? व्हाट इज द लेंथ थीटा? हां, मतलब इसका मतलब दोनों का लेंथ सेम है क्या? दोनों का लेंथ सेम है क्या? आर थीटा से थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा। हां, तो वो चीज तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि कहां से निकालोगे। लेंथ आपको जो है वो बीचों बीच से लेना पड़ेगा, जैसे यहां से आप कंसीडर करो, यहां से, क्योंकि आपको पता है इनर पेरिफेरी थोड़ा छोटा है एंड आउटर पेरीफेरी थोड़ा बड़ा है, तो बीच वाले पेरीफेरी से निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? ऑलमोस्ट लेंथ मिल जाएगा, राइट? तो उसके लिए जो रेडियस होगा वो कितना होगा? ये वाला रेडियस कितना होगा? आर माइनस डी बाई टू आएगा ना, आएगा, आएगी नहीं आएगी? हाँ सर, हाँ सर, आर माइनस डी बाई टू होगी। और वही अपर स्ट्रिप के लिए जब आप निकालोगे तो आर माइनस डी होगा ना, डी बाई टू ना, थिकनेस डी, और आप बीच से ले रहे हैं लेंथ। नहीं सर, आपने तो, आपने तो क्या बोले, फिर से बोले? अच्छा हाँ, हाँ सर, ठीक है सर। अरे आपको तो बीच से लेना है और थिकनेस तो पूरा का पूरा डी है, ठीक है सर, है ना?
और इसके लिए अगर कंसीडर करोगे तो कितना आएगा आर्क? आर प्लस डी बाय टू। इसके लिए आएगा आर प्लस डी बाय टू। आर प्लस डी बाय टू इधर से मार्क कर देते हैं। दिस लेंथ विल बी दिस लेंथ दिस विल बी आर प्लस डी बाय टू। ठीक है ना, समझ आ रही है आपको? तो अब हम इनर पेरीफेरी का लेंथ एंड आउटर पेरीफेरी का लेंथ वो हम तो फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं ना वो रेडियस और एंगल के टर्म्स में, राइट? तो अब मैं अपर वाले स्ट्रिप का लिखूं, लेंथ L1 लिखूं, तो क्या लिख सकते हैं हम? R plus D by 2 and this multiplied with theta लिख सकते हैं इसको, राइट? हाँ सर। And this can also be written as L into 1 plus alpha 1 into delta T लिख सकते हैं इसको ऐसा, लिख सकते हैं ना? क्योंकि एक्सपेंशन के बाद फाइनली उसका क्या लेंथ है यही तो हमें फाइंड करना था ना, मतलब फाइनल एक्सपेंशन का लेंथ तो आपको पता है, ऐसे लिखते हैं। और L2 की वैल्यू अगर आप फाइंड करो क्या लिखोगे? R माइनस D बाई टू एंड दिस इनटू थीटा, दिस विल बी इक्वल टू L इनटू 1 प्लस अल्फा 2 इनटू डेल्टा टी। अब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, तो R प्लस D बाई टू बाय R माइनस D बाई टू, इसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस अल्फा 1 इनटू डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 2 इनटू डेल्टा टी। इसको नेक्स्ट स्टेप में आप अप्रोक्सीमेट करके, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज करके आप 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इनटू डेल्टा टी लिख सकते हो। ये आपको पहले भी थर्मल एक्सपेंशन में मैंने दिखाया है, आपको याद है ये? क्योंकि डिनोमिनेटर का 1 प्लस अल्फा 2 इनटू डेल्टा टी जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा वो, है ना? 1 माइनस ऑफ अल्फा 2 इनटू डेल्टा टी हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर जब प्रोडक्ट लिखोगे आप तो उस केस में अल्फा 1 और अल्फा 2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगलिजिबली स्मॉल हो जाएगा। एंड इसी वजह से जो बचेगा आपका सिर्फ यही एक्सप्रेशन बचेगा, दिस इज यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन और कुछ नहीं है। एंड अब आप क्या कर सकते हो? अच्छा एक अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से, इसमें से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकालोगे अगर, तो एक काम करते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा लेते हो, तुरंत ही मिल जाएगा आपको। सो आर बाई डी टू डी बाई टू दैट विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 1 मतलब 2 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, माने अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 एंड इंटू डेल्टा टी, ये हो गई आर बाई डी बाई टू। सो आर की वैल्यू जो आपको मिल रही है आर की वैल्यू दिस इज कमिंग आउट टू बी डी बाई टू इंटू 2 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मिल चुकी है आपको, तो एंगल थीटा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो इतना तो पक्का है कि जो बेंडिंग होगी वो बहुत बड़े एंगल से तो बेंड नहीं करेगा ये, है ना? क्योंकि एक्सपेंशन कोफिशियंट बहुत ज्यादा भी बड़ा भी होगा तो भी जो लेंथ का चेंजेस होता है बहुत छोटा दिखता है, तो बेंडिंग जो है बहुत छोटी होती है। बेंडिंग अगर बहुत छोटा इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? काफी बड़ा होगा, राइट? रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी वेरी लार्ज कम्पेयर टू द थिकनेस दैट हैज बीन शोन, वो बहुत बड़ा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इतना छोटा सा बेंड करेगा कि आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट आपको लगेगा। सो दैट शोज दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर विल इन जनरल बी वेरी लार्ज। तो जब आप ये एंगल थीटा उसने पूछा है कितना एंगल से वो यू नो बेंड किया है, तो ये एंगल को जब आप लिखोगे यहाँ से, सोचो इस एंगल को इससे लिखो या इससे लिखो, किसी से भी लिखो, ऑलमोस्ट क्या आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए, राइट? है ना, राइट? तो ये एंगल को जब आप कैलकुलेट करोगे क्या लिखोगे आप? लेंथ आप निकाल चुके हो और उसके आपको बस क्या करना है, आर प्लस डी बाई टू क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? आपको एंगल मिल जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पूछेंगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के बाद आप इन दोनों में से किसी एक से भी आप वो क्या बोलते हैं उसको, एंगल फाइंड कर सकते थे यूजिंग इधर इक्वेशन वन, इसको वन कह लेते हैं, इसको टू कह लेते हैं। सो यूजिंग इधर वन और टू we can find the angle theta. That's it. Approximations की जरूरत पड़ सकती है आपको, approximations की जरूरत जैसे कैसे पड़ सकती है, जैसे suppose चलिए आपको पता है कि alpha alpha और alpha का value खुद ही बहुत छोटा होता है, तो alpha 1 minus alpha 2 निकालोगे तो और भी छोटा हो जाएगा, और उसके साथ आप delta t multiply करके जब 2 से compare करोगे तो this term will be very small compared to 2. तो अगर ये बहुत होगा, टू से बहुत छोटा होगा, तो हो सकता है आपको आंसर ऐसा दिखे, दिस इज अप्रोक्सीमेटली डी बाई टू इंटू टू बाई अल्फा वन माइनस अल्फा टू इंटू डेल्टा। समझ आ रही है आपको? आई यू अंडरस्टैंडिंग?
न्यूमरेटर का रिपीट करेंगे मतलब वो। अरे यार ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है ना, अल्फा की वैल्यू जो होती है वो 10^-4 10^-5 इस ऑर्डर में होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जब ये वाली वैल्यू को जब तुम 2 से कंपेयर करोगे तो वो नेग्लिजिबल एडिशन या सब्सट्रैक्शन की तरह है, और नेग्लिजिबल जब नेग्लिजिबल एडिशन सब्सट्रैक्शन की तरह है तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 1+x अगर दिख रहा है तो उसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली 1 इफ एक्स का वैल्यू बहुत छोटा है 1 से, तो लिख सकते हैं 1+ मैंने लिखा है 0.001 है, तो क्या इसको अप्रोक्सीमेट करके 1 नहीं लिख सकते क्या? सर एक्सप्लेन करिए, ये सब चीजें भी एक्सप्लेन करता रहा बैठ बैठ के, बोल रहा हूँ फिर भी नहीं सुनते हो। एडवांस का क्लासेस कर रहे हो और फिर प्रिपरेशन वैसा ये सब चीजों को 4 बार एक्सप्लेन करवाते हो। चलो ठीक है, एनीवेज अभी आगे बढ़ते हैं। देखो थर्मल कंडक्शन में हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें रेडियल फ्लो कभी नहीं पढ़ा, उसमें हमने मतलब ये लीनियर फ्लो पढ़ा है। लीनियर फ्लो कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप याद करो हमने जो सिचुएशंस देखे थे, हमने सोचे थे ऐसे कि हमारे पास ऐसा एक रॉड होगा, उस रॉड में आप यहाँ पे एक टेम्परेचर और यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हो और स्टेडी स्टेट आ जाता है, तो इस लाइन के अलॉन्ग क्या होता है हीट फ्लो करता है, राइट है ना। तो अगर आप देखोगे तो हीट का जो फ्लो हो रहा है दैट इज अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, राइट है ना, अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो इसको लीनियर फ्लो बोलते हैं, दिस इज अ लीनियर फ्लो, इसको लीनियर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। बट आपका सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है जहां पे आपको रेडियल फ्लो मिले। रेडियल फ्लो के आपके 2 केसेस हो सकते हैं, एक है कि आपका रेडियली सिमेट्रिक सिचुएशन कह रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं एक्चुअली सिमेट्रिक सिचुएशन। रेडियली सिमेट्रिक आपको स्फेरिकल सिचुएशन में दिखेगा, मतलब जैसे आप एक स्फीयर ले लो, हॉलो स्फीयर ले लो और उसके अंदर में एक टेम्परेचर एंड उसके बाहर में एक टेम्परेचर मेंटेन करो, तो अगर आप देखोगे तो अंदर में मैंने यहाँ पे T1 मेंशन कर रखा और यहाँ पे बाहर में T2 मेंशन कर रखा है, अंदर वाला सपोजिटली टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा, अंदर से बाहर तक क्या होगा, हीट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कंडक्शन का प्रिंसिपल यही है कि अगर आप 2 इंटरफेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करते हैं तो इंपल्स मोमेंटम ट्रांसफर के थ्रू आपका वार्म एंड से कोल्ड एंड तक क्या होता है हीट ट्रांसफर होती है, तो इधर से इधर भी हीट जा रही होगी, इधर से इधर भी 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 जा रही होगी, तो आपका अंदर से बाहर की तरफ आपका क्या होगा हीट फ्लो होगा। समझ आ रही है आपको, आई यू अंडरस्टैंडिंग? और ये हीट फ्लो जो है लीनियर हीट फ्लो नहीं है, देखो क्योंकि लीनियर हीट फ्लो कहने का मतलब है कि उसमें सारे हीट करंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए सबका सेम होना चाहिए, इधर का भी सबका क्या है सेम है, बट क्या इसमें डायरेक्शन सेम है सबका, क्या हीट करंट का डायरेक्शन सेम है? नहीं, ये सब क्या है अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ये रेडियल फ्लो है इसमें। बट इसी तरह का एक और सिचुएशन आप सिलेंडर्स में भी इमेजिन कर सकते हैं। सिलेंडर्स में आपने अंदर में एक टेम्परेचर मेंटेन किया, बाहर में एक टेम्परेचर मेंटेन किया, हॉलो सिलेंडर है तो अंदर से बाहर तक हीट फ्लो कर रही है, ये भी रेडियल फ्लो बोल सकते हैं, बट ये एक्चुअली सिमेट्रिक है। एक्चुअली सिमेट्रिक मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे सिमेट्रिकली फ्लो कर रहा होगा, ऐसे। आपको समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? समझ आ रही है? अगर इसी का आप टॉप व्यू सोचोगे, इसी का टॉप व्यू बनाओगे, इसी का टॉप व्यू तो यही बनेगा, ये इसका टॉप व्यू है, देखो दिख रहा है क्या आपको, दिख रही है? हाँ सर। मतलब बेसिकली हम 3 डायमेंशन में स्फीयर तो नहीं बना सकते ना, 3 डायमेंशन में जब भी हम बनाएंगे तो बेसिकली क्या दिखेगा आपको, एक रिंग जैसा ही दिखेगा, ये बेसिकली दिख रहा है, क्या रहा है आपको, रिंग दिख रहा है ना, बट एक्चुअली रिंग नहीं है, एक स्फीयर है। समझ आ रही है आपको, आई अंडरस्टैंडिंग? बट सिलेंडर्स को भी जब आप ड्रॉ करोगे ऊपर से तो वैसे ही तो बनाओगे ना, डिस्क जैसे ही तो बनाओगे, तो इसलिए दोनों दिख रहा है एक जैसा, बट दोनों है अरेंजमेंट अलग अलग, ठीक है, दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि अब इसमें हीट करंट हम लिखेंगे कैसे, तो इतना समझ आना चाहिए जैसे जो हमारा हीट करंट का फॉर्मूला था, आप ये याद करो कि जब स्टेडी स्टेट आती थी तो हीट करंट आपकी KA into dT/dx, आपको याद है ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती थी हर एक क्रॉस सेक्शन से, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वेरिएबल और यू नो कांस्टेंट, ये हीट करंट हर एक क्रॉस सेक्शन से क्या मिलना चाहिए था? आपको सेम मिलना चाहिए था, रिमेंबर। अब ये बात है कि यहाँ पे जो होता था जैसे हीट करंट जब हम फ्लो करता था, लीनियर फ्लो की बात कर रहे हैं, तो ये लीनियर फ्लो आप कंसिडर कर रहे हो, इसमें क्या करते हो आप इधर हीट करंट फ्लो करवाते थे, तो हीट करंट के फ्लो के आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप एरिया चूज करते थे, रिमेंबर? डू रिमेंबर हीट फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप एरिया चूज करते थे, याद है आपको? हाँ सर। तो यहाँ पे भी जो हीट करंट फ्लो कर रही है उस हीट करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया चूज करना पड़ेगा। तो स्फीयर में जो हीट फ्लो कर रही है अलोंग द रेडियल लाइन फ्लो कर रही है, रेडियस के अलोंग, तो हर जगह अगर आप रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर नहीं बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? अगर आप रेडियस पे हर जगह परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, अगर आप रेडियस पे हर जगह परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, क्या ऐसा स्फीयर नहीं बन जाएगा? ये बनेगा नहीं बनेगा, सोचो, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, राइट? तो यही अब आपके लिए वो क्रॉस सेक्शन हो गया, यही आपके लिए वो क्रॉस सेक्शन हो गया जिसको हम ए लिखते थे, और ये क्रॉस सेक्शन आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल क्रॉस सेक्शन होने का मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट भी आपकी क्या होगी, वेरिएबल होगी, टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा।
और यहां से अब आप क्या करो, अगर आपको हीट करंट इक्वेशन लिखना है तो आप यहां पे एक छोटा सा थिकनेस कंसिडर कर लो। जैसे यहां से हमने क्या किया, व्हाट वी डिड इज इमेजिन करो, यहां से मैंने एक आर डिस्टेंस कंसिडर किया रेडियल डिस्टेंस को, दिस इज रेडियल डिस्टेंस आर, एंड यहां पे एक डीआर थिकनेस एक कंसिडर कर रखा है, दिस इज अ थिकनेस ऑफ डीआर, एंड फिर इसमें हीट करंट हम लिखना चाहते हैं। तो अंदर का टेम्परेचर मैं लिख रहा हूं दिस इज टी, मतलब ये इनर वॉल का टेम्परेचर लिख रहे हैं, मतलब ये वाले शेल के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। इसकी टेम्परेचर मैं लिख रहा हूं टी है, और इसकी टेम्परेचर लिख रहा हूं दिस इज टी प्लस डी टी लिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज टी प्लस डी टी, डी टी विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम अंदर से बाहर मूव कर रहे हैं और हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब डी टी नेगेटिव आएगी, समझ आ रही है आप? हाँ सर। राइट, तो अब अगर हीट करंट का इक्वेशन लिखें इसके लिए, तो इसके लिए अगर हीट करंट का इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, एच विल बी के ए एंड इन टू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स की जगह यहाँ पे डी आर हो जाएगा, एंड दिस विल बी अ नेगेटिव साइन के साथ। क्यों नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि डी आर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड डी टी इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, सो डी टी बाई डी आर इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, एंड नेगेटिव के साथ एक और नेगेटिव मिला तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ रही है आपको, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, अब ये एरिया आप कौन सा चूज करोगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ हियर, कितना एरिया है इसका, 4π स्मॉल r स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, वो जो पतला सा शेल बना रखा हमने उसकी एरिया कितनी है जिसके थ्रू हीट फ्लो कर रही है, 4π r स्क्वायर है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, k, और एरिया के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो दिस इज 4π इनटू r स्क्वायर, एंड इसके साथ लिखा माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय dr, ठीक है। और अब आप वेरिएबल को सेपरेट करके अब आप इंटीग्रेट कर लो, तो आपने क्या लिखा यहां पे, dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू, this is coming out to be 4π k and divided by h and into minus of dtr here, clear है? R की value आपको कहाँ से कहाँ vary करना है, small r से capital R तक, तो जब आप इसको integrate करोगे तो यहाँ से आपको R1 से R2 तक integrate करनी है, R1 से R2 small r से capital R नहीं, R1 से R2 integrate करनी है, और temperature की integration की limit आपकी T1 से T2 हो जाएगी, ठीक है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, dr by r square का integration simple है, ये minus of 1 by r हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस वन बाई आर लिखा एंड सब्स्टिट्यूट ही कर देते, तो ये माइनस ऑफ वन बाई आर टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई आर 1 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4π k डिवाइडेड बाई h, और टेम्परेचर डिफरेंस आपका ये T2 माइनस ऑफ T1 ले आएगा, क्लियर है? देखो एक बार चेक कर लो, ठीक है, dt का इंटीग्रेशन विल बी t एंड अपर लिमिट T2 है, लोअर लिमिट T1 है, तो T2 माइनस T1 हो गया, T2 माइनस T1 एक्चुअली एक नेगेटिव टर्म है ना, है नहीं नेगेटिव टर्म, T2 माइनस T1 एक्चुअली एक नेगेटिव टर्म है, सर। और ये नेगेटिव यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, समझ आ रही है? मतलब अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा होता तो मेरा RHS नेगेटिव हो जाता, LHS पॉजिटिव रहता, समझ आ रही है? और वो गलत हो जाता, ठीक है। तो इसलिए फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो देखो कैसा आया है, मैं एक बार इस एक्सप्रेशन को ना जस्ट रीअरेंज कर रहा हूँ, तो हीट करंट की जो वैल्यू आ रही है वो ऐसी आ रही है, T2 माइनस T1, तो टेम्परेचर डिफरेंसेस को डेल्टा टी रहने देते हैं, दिस इज डेल्टा टी, एंड इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ही बस रीअरेंज कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं R2 - R1 डिवाइडेड बाय K इंटू 4π R1 R2, ये चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं क्या, चेक करो एक बार, इसको थोड़ा ठीक है, अब बस चेक कर लो कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, लास्ट स्टेप नहीं चेक करो, सर देख लो, दिख रहे सबको, ठीक है। अच्छा आपको पता है ना थर्मल कंडक्शन में हीट करंट की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस लिखते हैं, पता है? तो मैंने बेसिकली उसी वजह से इसको ऐसे रीअरेंज किया है, इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ये लंबा चौड़ा सा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन जो दिख रहा है, ये एक्चुअली उस स्फेरिकल शेल के लिए क्या हो गया, उसका थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, तो नेक्स्ट टाइम से आपको ये इंटीग्रेट करके निकालने की जरूरत, आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, उसका थर्मल रेजिस्टेंस अब याद रखना है, थर्मल रेजिस्टेंस ऐसे याद नहीं रहेगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वैसे याद रखेंगे आप, ठीक है, आई जस्ट शो यू अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस, ठीक है, जस्ट सी दिस, सो देयरफॉर थर्मल रेजिस्टेंस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल शेल इन रेडियल फ्लो इज, अब इसकी रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस, सबस्क्रिप्ट में आप चाहें तो टी एच लिख सकते हैं, जस्ट इंडिकेट किए थर्मल रेजिस्टेंस लिख रहे हैं आप, दिस विल बी आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई के इंटू
फोर पाई आर वन नॉट, ठीक है। मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, इसको ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज एल बाई के इंटू ए, और ए के सब्सक्रिप्ट में जीएम लिखा है। जीएम सिंबल आपको पता है किसके लिए यूज करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन के लिए। क्या पता है आपको? हाँ सर। राइट, जैसे ए एम लिखते हैं अरिथमेटिक मीन के लिए, वैसे जीएम लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए। हाँ सर। ये मैंने इस फॉर्मूले में क्यों रिड्यूस किया इस तरह से? क्योंकि लीनियर फ्लो का तो आपको रेजिस्टेंस पता ही है, एल बाई के ए होता है, पता है ना आपको? लीनियर फ्लो के लिए रेजिस्टेंस कितना लिखते हैं आप? एल बाई के ए लिखते हैं ना, एल बाई के ए। राइट, वो लीनियर फ्लो के लिए है। उस लीनियर फ्लो में एल क्या होता था? एक एंड से दूसरे एंड के बीच का सेपरेशन होता था। यहां पे देखो, जिसमें हीट फ्लो कर रहा है, इस एक एंड से दूसरे एंड तक इनके बीच का सेपरेशन कितना है? R2 - R1। क्या वो L हो गया हमारे लिए? ठीक है, समझ आई आपको? हाँ सर। ठीक है, वो L बन गया। और यहां पे देखो, इनर शेल का एरिया अलग है, आउटर शेल का एरिया अलग है, तो L बाई के ए में एरिया अगर वेरिएबल है तो आपको क्या करना है यहाँ पे? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एरियाज ले लेना है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एरियाज ले लेना है। मतलब 4 पाई आर वन स्क्वायर एंड 4 पाई आर टू स्क्वायर, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो यही तो करोगे ना? रूट अंडर 4 पाई आर वन स्क्वायर इंटू 4 पाई आर टू स्क्वायर, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 4 पाई इंटू आर वन आर टू। क्या मैच कर रहा है रिजल्ट? क्या रिजल्ट मैच कर रही है? तो वही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो एल बाई के ए के फॉर्म में ही याद रखो, आपको तुरंत से याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट याद ध्यान रखने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। हियर एल इज बेसिकली R2 - R1 एंड ए जी एम इज ज्योमेट्रिक मीन, जीएम लिख रहे हैं तो मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, जीएम ऑफ द इनर एंड आउटर सरफेस एरिया of the shell, and therefore this is root under of 4 pi r1 square into 4 pi r2 square, and therefore this is 4 pi r1 r2. Ho gaya, grasp ho gayi sabhi ko? Grasp ho gayi hai. To next time se aapko ab kya dhyan rakhna hai? So therefore jabhi bhi aapko heat current nikalni ho uske liye, to aap kya karenge? Temperature difference divided by रेजिस्टेंस, यही कर रहे होंगे। बस ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस आपको सब्स्टिट्यूट क्या करनी है। अंडरस्टूड? ये दो रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? एक है कि इसकी थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है, और दूसरा हीट करंट की वैल्यू आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, अब जैसे इसमें हमने प्रोसीड किया, सिमिलर तरीके से हम सिलिंड्रिकल शेल में भी प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेल में भी आप अगर ड्रॉ करोगे तो इस बार जो आप कंसिडर करोगे, मतलब यहाँ पे हमने स्फेरिकल शेल्स पतले पतले ड्रॉ करके यू नो हीट करंट का एक्सप्रेशन लिखा, वैसे यहाँ पे जब आप फ्लो कराओगे तो कैसा करोगे? आप सिलेंडर्स के थ्रू फ्लो कराओगे, राइट, है ना? ये जो यहाँ पे आपको स्फीयर्स दिख रहे हैं, ये जो शेल्स दिख रहे हैं, ये शेल्स स्फेरिकल शेल्स हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे जब आप ड्रॉ करोगे तो वो कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा ना, होगा नहीं होगा? एक आर्बिट्री लोकेशन पे जाके आप क्या करोगे, ऐसा एक सिलेंडर इमेजिन करोगे और उसके थ्रू फ्लो कर रहा होगा, राइट? ये आपको सिलिंड्रिकल शेल के थ्रू हीट करंट लिखना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन पहला लाइन यही रहेगा, बट दूसरे लाइन में ये जो हमने एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, यहीं पे आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या चेंज होगा? 2 पाई आर एंड इंटू एल हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो वहीं पे आपके चेंजेस बस आपको दिखना है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इस सिलेंडर की लेंथ मुझे एल दी हुई है। तो अकॉर्डिंगली देखो, इसके लिए हीट करंट लिख रहे हैं। सो हीट करंट ओवर हियर विल बी के ए इनटू माइनस ऑफ डी टी बाई डी आर, एंड वैल्यूज को नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं। सो के इनटू ये हो जाएगा 2 पाई आर इनटू एल, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई डी आर। वेरिएबल को सेपरेट करके अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो डी आर डिवाइडेड बाई आर दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई के इनटू एल डिवाइडेड बाई हीट करंट एंड इंटू डी टी विद अ नेगेटिव साइन, एंड अब इसको इंटीग्रेट कर लो आर वन से लेके आर टू तक, एंड टेम्परेचर आपको लेना है टी वन से टी टू तक, एंड नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी माइनस ऑफ 2 पाई के इंटू एल बाई एच, एंड इंटू डी टी का इंटीग्रेशन इज टी, सो टी टू माइनस ऑफ टी वन हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा एल एन ऑफ आर टू बाई आर वन हो जाएगा। सो फाइनली आप देखोगे तो आपको हीट करंट की वैल्यू मिल रही है। सो आपको क्लियरली पता चल रहा है टी टू माइनस टी वन इज अ नेगेटिव टर्म, क्योंकि इनर शेल वाज टी वन एंड वो आपका हायर टेम्परेचर पे था। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में जब इसको लिखेंगे तो हीट करंट की वैल्यू को पैसे ले सकते हो, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाई
ln of r2 by r1 and this divided by 2 pi k into l. अब ये जो ब्रैकेट वाला टर्म हमने लिखा ये क्या है उसका रेजिस्टेंस है ना क्योंकि हीट करंट को टेम्परेचर डिफरेंस बाय समथिंग लिखा आपने सो देयरफॉर थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ सिलिंड्रिकल शेल फॉर रेडियल फ्लो इसको फिर से कैपिटल लिख रहे हैं एंड दैट विल बी ln ऑफ R2 by R1 and divided by 2 pi k into L. Clear है? रहेगा ध्यान आपको? अब ये resistance हो गई इसकी, ये cylindrical shell के लिए है, radial flow के लिए ध्यान रखिएगा. And एक बार ये याद रह गया, तो अब आप heat current आराम से निकाल सकते हैं. So ये इसकी आपको resistance पता चल चुकी है. And therefore heat current निकालनी है, तो आप बस temperature difference को आप इस thermal resistance से divide कर देना. Clear है? क्लियर है सभी को हाँ सर ठीक है ओके जैसे ये सिलिंड्रिकल शेल के लिए वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का रिजल्ट में आपने ज्योमेट्रिक मीन वाला कांसेप्ट याद रखा है वैसा ही सिमिलर कांसेप्ट आपका एक लीनियर फ्लो में भी आपका एक के लिए याद रखनी है आपको जैसे अगर इमेजिन करो ये जैसे एक रिजल्ट की तरह आपको बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा एक ट्रंकेटेड कोन आपको दे रखा है ठीक है ट्रंकेटेड कोन है एंड इस ट्रंकेटेड कोन के थ्रू अगर आपको हीट करंट निकालने की जरूरत पड़ी ये हमारा ट्रंकेटेड कोन है ये इसकी एक्सेस है और इसके लेफ्ट साइड का जो रेडियस है ये R1 है एंड इसके राइट साइड का जो रेडियस है इसको R2 कह रखा है अब इसमें एंड के बीच में ही टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं T1 T2 ऐसे रखा हमने एंड T1 इज ग्रेटर देन T2 तो इसमें आप देखोगे तो लीनियर फ्लो ही मिलेगा आपको इसमें लीनियर फ्लो ही मिलेगा इसमें मतलब ऐसे रेडियल फ्लो नहीं है इसमें भी हम हीट करंट को आपका इधर से इधर ही फ्लो करा रहे हैं वी आर मेकिंग द हीट करंट फ्लो लाइक दिस ओनली ठीक है अब ये हीट करंट की एक्सप्रेशन जब आप निकालेंगे तो वैसे ही इसमें देखो इसमें भी आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल दिख रहा है दिख रही है आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल तो इसमें भी सिमिलर तरीके से आपको पहले डिफरेंशियल एक यू नो डिस्क चूज करके आपको हीट करंट निकालना पड़ता है एंड फिर आप वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट करके फिर थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं मैं आपको इसमें ट्रिक बता दे रहा हूँ हीट करंट का निकालने के लिए आप इंटीग्रेट करके खुद से ट्राई कर सकते हैं इनकेस अगर आप नहीं कर पाए तो मुझे पूछ लेना मैं आपको तब हेल्प करूंगा ठीक है बट मैं आप इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ इसके लिए आप ये याद रखना कि रेजिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करते हो थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा एल बाई के ए फिर से वही आएगा एंड ए यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एरियाज लेना पड़ेगा आपको ठीक है दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एरियाज तो एक सर्फेस का एरिया पाई आर वन स्क्वायर है दूसरे सर्फेस का एरिया पाई आर टू स्क्वायर है तो आपको एरिया कितना लेना है पाई आर वन आर टू लेना है समझ आ रही है हाँ सर एजीएम विल बी पाई आर वन आर टू एंड उसके बाद फिर नॉर्मली हीट करंट जो आप निकालते वैसे लिखेंगे सो हीट करंट विल बी टेम्परेचर डिफरेंस एंड डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस कर लेंगे ये आंसर आ जाएगा ठीक है तो डिफरेंट एरियाज के लिए याद रखना कि अगर ट्रंकेटेड कोन हो या फिर ये वाला स्फेरिकल शेल वाला भी एग्जांपल हो तो उन दोनों में ही आप वो ज्योमेट्रिक मीन वाला एरिया का कांसेप्ट यूज करते हैं एंड सिलिंड्रिकल शेल में थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट है लॉगरिथम वाला एक एक्सप्रेशन आ रहा है बस उसको ध्यान रखिएगा इसके एप्लीकेशन पे मूव करते हैं देखो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ क्वेश्चन के बाद मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि डायग्राम क्वेश्चन के साथ दिया हुआ नहीं था ये मैंने बाद में ड्रॉ किया है क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं ठीक है अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर इज फिल्ड विथ वाटर टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज माइनस थीटा डिग्री सेंटीग्रेड वेयर थीटा इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट इसका मतलब किसी कोल्ड कंट्री की बात कर रहे हैं ना क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नेगेटिव है राइट है ना या फिर इंडिया में ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जहां पे मतलब कोल्ड रीजन है बेसिकली The shell is exposed to atmosphere and all water comes down to 0 degree centigrade. मतलब water का temperature आपको मान के चलना है कि 0 degree पे आ चुका है. And then it starts freezing from outer surface towards the center of the shell. Obviously surface से जो exposed होगा पहले वो freeze होगा. और freeze होते 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 बर बनता जाएगा ऊपर की तरफ और अंदर में पानी धीरे धीरे करके बनता जाएगा. And then it starts freezing from outer surface towards the center of the shell. Assuming shell to be highly conducting, K
कैलकुलेट द टाइम फॉर द टोटल मास ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ्रीज, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर अगर है और उसके बाद फिर आप मान के चल रहे हो कि वो फ्रीज करना स्टार्ट कर चुका है, तो कितना टाइम उसको लगेगा पूरा का पूरा फ्रीज करने में. दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द फ्रीजिंग ऑफ आइस इन कोल्ड कंट्रीज इन लेक्स. लेक में भी तो ऐसे क्वेश्चन कराया था ना फ्रीज करने के लिए, याद है क्वेश्चन आपको? एक पॉन्ड दिया था एंड उस पॉन्ड में हम लोग आइस मतलब पॉन्ड के सरफेस में जो पानी था वो पानी को हम क्या करते हैं फ्रीज करा रहे थे. बट उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बेसिक से डिफरेंस क्या है, पॉन्ड का जो क्रॉस सेक्शन है उसके एरिया जो है वो वेरिएबल नहीं थी, ऊपर से अंदर ऊपर से नीचे तक जाओ आपको एरिया ही मिलेगा. बट इसमें अगर आप देखोगे तो बाहर में आपका माइनस थीटा है, अंदर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड बीच में एक थिकनेस आइस का ग्रो कर चुका है, दैट इज व्हाट यू अज्यूमिंग. तो इसमें आप देखोगे तो जैसे जैसे आइस ग्रो करता जाएगा तो ये रेडियस जो है आर जो वाटर का रेडियस है वो घटता जाएगा, दिख रहा है आपको? तो इसके बीच में जो कंडक्शन जहां से हो रहा है, कंडक्शन तो बेसिकली आइस वाले पार्ट में हो रहा है, इस पार्ट में कंडक्शन हो रही है, मतलब आइस वाले पार्ट में आपकी कंडक्शन दिखेगी. तो आइस वाले पार्ट में अगर कंडक्शन हो रही है इसका मतलब कि ये तो वेरिएबल एरिया के थ्रू ये तो हो रही है ना, और ये कैसा फ्लो होगा, रेडियल फ्लो ही होगा ना, होगा नहीं रेडियल फ्लो, होगा नहीं, दिस इज अ केस ऑफ रेडियल फ्लो. और अगर ये रेडियल फ्लो है तो इस केस में इंपॉर्टेंट ये है कि ये थिकनेस ही इसका खुद ही वेरिएबल आ रहा है, मतलब ये आइस का थिकनेस जो है वो खुद वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे मोर ऑफ मोर एंड मोर आइस विल ग्रो ऑन. तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, आप किसी भी एक टाइम टी पे मान लेते हैं कि हमने किसी भी जनरल टाइम पे हमने ये एक्सप्रेशन को लिख रखा है, ये जनरल टाइम का एक्सप्रेशन दिख रहा है, मतलब दिस इज एट अ टाइम टी, एंड टाइम टी से टी प्लस डी टी टाइम के बाद जाए तो और भी वाटर क्या होगा, ग्रो कर जाएगा, मोर ऑफ वाटर विल ग्रो. अगर मोर ऑफ वाटर इज ग्रोइंग तो उस केस में आपको क्या दिखेगा, इसका रेडियस क्या दिखेगा, थोड़ा सा घटता हुआ दिखेगा, दिखेगा ना, दिखेगा आपको रेडियस थोड़ा सा घटता हुआ, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा. मोर ऑफ आइस इज ग्रोइंग, जस्ट अ सेक, देखो ऐसा कुछ होगा ना, दिख रही है आपको? हां सर. तो ये वाला जो रेडियस आपको दिखेगा, दिस रेडियस विल बी आर प्लस डी आर, लिख रहे हैं, दिस इज आर प्लस डी आर, डी आर सर्टेनली इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, इजंट इट, डी आर इज अ नेगेटिव क्वांटिटी क्योंकि रेडियस तो श्रिंक हो रही है ना, दिख रही है आपको? यस सर. ठीक है, सो डी आर विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी सिंस रेडियस इज श्रिंकिंग, रेडियस इज श्रिंकिंग. तो मैंने जो आउटर सर्फेस दिखा रखा है, मतलब दिस ये वाली सर्फेस जो दिखा रखी है, दिस इज एट टाइम टी, एंड ये जो इनर वाला दिखा रखा है, ये वाला दिखा रखा है, मतलब इतना जो ग्रो कर गया, दिस इज एट सॉरी एट टाइम दिस इज टी प्लस डी टी, ठीक है, वैसा ही है. तो इस डी टी टाइम में कितना हीट एनर्जी उधर से फ्लो कर गया ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्मल कंडक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे एंड फिर उसको रेट ऑफ फ्रीजिंग से इक्वेट करेंगे, ठीक है. तो थर्मल कंडक्शन के लिए जब आप हीट करंट लिखते हो तो कैसे लिखते हो, हीट करंट का एक्सप्रेशन क्या था याद है आपको, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई थर्मल रेजिस्टेंस, और इस आइस का थर्मल रेजिस्टेंस कितना है याद है आपको, एल बाई के का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, एल यहाँ पे कितनी है, रेडियस का डिफरेंस विच इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एंड डिवाइड बाई के इंटू ए, ए इज ज्योमेट्रिक मीन, सो विच इज 4 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर. देखो आपको समझ आया एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन समझ आई क्या, देखो आप एक बार चेक करो. हाँ सर, समझ में आ गया. ठीक है, हमने टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस किया है. अब देखो ये तभी कर पा रहे हैं जब आपको वो रिजल्ट याद है, अगर वो रिजल्ट याद नहीं है तो अननेसेसरी का बहुत मेहनत बढ़ेगा आपका. तो अब ये रिजल्ट लिख लिया हमने, अब ये हीट करंट को हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू को हमको ये भी पता है कि हम डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, राइट, एंड डी क्यू बाई डी टी को जब फ्रीजिंग या मेल्टिंग का केस होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, डी एम बाई डी टी एंड इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये लिखते हैं ना, लिखते नहीं लिखते, डी एम बाई डी टी इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हाँ सर, राइट. अब ये डीएम बाई डीटी क्या है, किस रेट से आपका वाटर जो है वो क्या हो रहा है, फ्रीज कर रहा है, राइट, है ना, किस रेट से वाटर आपकी फ्रीज कर रही है और वाटर जिस रेट से वाटर जिस रेट से आपकी फ्रीज कर रही है वो वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, या फिर आप ये भी कह सकते हैं डीएम बाई डीटी इज बेसिकली द रेट एट विच आइस इज फॉर्मिंग, ये भी कह सकते हैं, या फिर आप उल्टा भी कह सकते हैं रेट एट विच वाटर इज डिक्रीजिंग, दोनों ही बात कह सकते हैं ना, आइस का बढ़ने का रेट वही है जो क्या है वाटर का घटने का रेट है, राइट. तो डीएम बाई डीटी की वैल्यू क्या लिखोगे आप, व्हाट विल डीएम बाई डीटी हो गई, अभी क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब ये जो वॉल्यूम है पतला सा शेल जो दिख रहा है आपको उस शेल के लिए वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सो डेंसिटी इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डीआर, ये हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम,
वॉल्यूम के साथ मास मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया मतलब मास मिल गया, एंड डिवाइडेड बाई डी डी कर दिया। देखो ये डीएम बाई डी टी हो गया एंड इसको लेटेंट डिफ्यूजन से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या सही एक्सप्रेशन चेक करके देखो एक बार, सही है? सही है हाँ सर। ठीक है हाँ सर। नाउ डी आर बाई डी टी इज अ नेगेटिव टर्म, नाउ डी आर बाई डी टी इज अ नेगेटिव टर्म, रेडियस इज श्रिंकिंग राइट। तो आप ये एक्सप्रेशन को छोड़ सकते हैं या नेगेटिव लगाना पड़ेगा हमें? नेगेटिव लगाना, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पे एक नेगेटिव लगा देते हैं। ये नेगेटिव का सिग्निफिकेंस ध्यान रखिए क्योंकि रेडियस श्रिंक कर रही है, ऑलरेडी लिखा है हमने। एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस आपका कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस इज, ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, जीरो माइनस माइनस थीटा का है, ठीक है? तो थीटा का है, सो दिस इज थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल माइनस स्मॉल आर, ये डिनोमिनेटर का, एंड फोर पाई इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर न्यूमरेटर का। अब इसको रीअरेंज करते हैं, जो आर वाला एक्सप्रेशन है उसको एक तरफ लेके चले जाएंगे, फोर पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर भी यहाँ से पावर टू में कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फाइनली जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है, माइनस ऑफ रो इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू डी आर इज इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल आर इंटू डी टी। ये आ रही है देखो। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आर की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करनी थी आपको, स्मॉल आर जो है वैल्यू ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैपिटल आर से स्टार्ट हुई थी ना, कैपिटल आर कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैपिटल आर से, और फाइनली इसको जाना कहाँ पे, जीरो पे, जीरो पे। तो इसको लिमिट्स क्या डालेंगे आप, कैपिटल आर से जीरो डाल देंगे, और टी की डी टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ डालनी है आपको, जीरो से लेके वो टाइम टी जब तक ये आपने काम किया है, तो वो टाइम को हम टी मान लेते हैं, कैपिटल टी मान लेते हैं, टाइम टी है, कैपिटल टी इज द टाइम जो हमको फाइंड आउट करनी है। तो कैपिटल टी आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, सो ये क्वांटिटी आएगी नेगेटिव ऑफ रो इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज आर डी आर मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 विद अ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। हाँ बेटा बोलिए। शायद से आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। नहीं मैंने कुछ लिखा ही नहीं बेटा, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, मूवमेंट दिख रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है, सो ये हो जाएगा आर कैपिटल आर के साथ आर एक स्मॉल आर है, सो स्मॉल आर का डी आर के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, और उसको कैपिटल आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 सॉरी आर क्यूब बाई 2, बट अपर लिमिट 0 डालेंगे तो फिर 0 एंड लोअर लिमिट मतलब माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा आप लिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं वर्बली कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है मैं लिख देता हूँ, मैं जो चीज वर्बली बोल रहा हूँ वो तुम सोच रहे हो मैं लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसा आएगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कैपिटल आर माइनस ऑफ आर क्यूब बाई 3 एंड लिमिट है आपका आर से लेके 0 तक, ये आपका आर थीटा इंटू टी आ गया है। अब ये नेगेटिव को, ये नेगेटिव यहाँ का जो नेगेटिव है ये वाला नेगेटिव जो है, और ये लिमिट्स देखो 0 से आ रहा है, मैं लिमिट्स को सॉरी आर से 0 है लिमिट, तो मैं लिमिट को इंटरचेंज कर देता हूँ, आर से जीरो नहीं लिख के मैं जीरो से आर कर देता हूँ, और यहाँ का नेगेटिव हटा देंगे, सही होगा, एक ही बात होगा, होगा नहीं होगा? हाँ सर। लिमिट्स को जब आप इंटरचेंज कर दोगे तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा, और वो नेगेटिव को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, दिस इज रो इंटू एल एफ इंटू, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर का क्यूब बाई 2 माइनस ऑफ कैपिटल आर का क्यूब बाई 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू आर थीटा इंटू टी, एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, एंड यहाँ से आपको टाइम मिल जा रही है, सो टाइम इज कमिंग आउट टू बी डेंसिटी इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स ऑफ थीटा, ये फाइनल आंसर होगी, इतने टाइम के बाद वो फ्रीज कर जाएगा। समझ आ गई सभी को? यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये भी वही स्फेरिकल कंडक्शन का ही केस है, रेडियल कंडक्शन का ही केस है। इसमें एक शेल दिखा रखा, स्फेरिकल शेल दिखा रखा है जिसका इनर रेडियस R1 है एंड आउटर रेडियस R2 है। इनर सरफेस का टेम्परेचर मुझे दे रखा है T1 है एंड आउटर सरफेस का टेम्परेचर मुझे दे रखा है T2 है। क्वेश्चन में कह रखा है कि यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी है इसकी K है, और फिर पूछा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एट विच टेम्परेचर विल बी एवरेज ऑफ इनर एंड आउटर टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको कहाँ पे एवरेज मिलेगा आपको ये फाइंड करना है, ठीक है? मतलब कि आपको ये फाइंड आउट करनी है कि
यहां से कौन सी रेडियस अगर आप जाओगे आर पे, तो यहाँ पे आपको इस सरफेस पे मतलब इस स्फेरिकल सरफेस पे हर जगह पे आपको जो टेम्परेचर दिखेगा वो टी वन प्लस टी टू बाई टू दिखेगा, मतलब यहाँ का टेम्परेचर आपका टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू होना चाहिए, डिवाइड बाई टू। समझ आ रही है आपको? सर एक चीज, सर लास्ट क्वेश्चन में वो के कहाँ गया था, लाइक के छूट गया क्या? आई थिंक सो, एक के मुझे मिसिंग लग रहा था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक सेकंड के लिए जस्ट। हाँ, के छूट गया, ये के तो आना चाहिए था, के सही कह रहे हैं, के 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 एंड यहाँ पे भी क्या आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। चेस देखो, अभी देखो इसमें क्या करना है, हमें कौन से रेडियस पे आपका टेम्परेचर एवरेज आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये एवरेज टेम्परेचर है तो पक्का है इनर एंड इस बीच वाले लेयर का जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, और बीच से फिर ये एक्सट्रीम एंड का जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, दोनों सेम आएगा, कह सकते हैं आप। जैसे इसको तीन पॉइंट चूज कर लेते हैं, ए बी एंड सी। आप ये सोच के देखो, टी वन माइनस टी टू, सॉरी टी ए माइनस टी बी जो आएगा, दैट विल बी इक्वल टू टी बी माइनस टी सी, होगा ही नहीं होगा, राइट? क्यों? क्योंकि आपको पता है टी बी इज टेम्परेचर ऑफ ए प्लस टेम्परेचर ऑफ सी बाई टू, राइट? है ना, है नहीं है? है या नहीं? हाँ, ठीक है। अब इस कंडीशन को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। सो व्हाट वी डू इज टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यही तो थर्मल करंट देता है ना। तो अब ये सोच के देखो कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ये अलग है, क्या ये दोनों में अलग करंट है, एक ही करंट है? जो अंदर से फ्लो करके बाहर जा रहा है सेम तो है दो सबके लिए, तो हीट करंट जो आपको अंदर वाले शेल में दिखेगा वही आपका बाहर वाले शेल में भी है, और इसका टेम्परेचर डिफरेंस भी दोनों का सेम है, आपको ये भी पता चल रहा है। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस, देखो आप जब हीट करंट फाइंड आउट करते हो कि हीट करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करते हैं, राइट? तो अगर मैं कह रहा हूं कि हीट करंट भी सेम है एंड रेजिस्टेंस भी सेम है, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, तो इसका मतलब पक्का है रेजिस्टेंस जब आप फाइंड आउट करते हो, ये थर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिस थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर डिफरेंस बाय हीट करंट, तो ये भी तो कॉमन होना चाहिए ना दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस भी कॉमन है और हीट करंट भी कॉमन है, तो ये चीज क्या होना चाहिए, दिस शुड बी कॉमन फॉर इनर एंड आउटर शेल, मतलब दो शेल जो मैंने बना रखे हैं वहां पे उसके बात कर रहा हूं। मतलब मैं इसको कह रहा हूं ये इनर है, ये वाले पार्ट को मैं इनर कह रहा हूं और ये वाले पार्ट को मैं आउटर कह रहा हूं। समझ आ रही है आप सभी को? ये बात समझ आ गई है? समझ आई है या नहीं? यस सर, यस सर। हाँ सर, आ गई। करना है आपको, बस क्या करना है, इन दोनों का रेजिस्टेंस को बस इक्वेट कर देना है। ये रेजिस्टेंस इक्वेट करने का लॉजिक याद है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ इनर वाला पार्ट has to be equal to resistance of outer wala part. Resistance को कैसे लिख लेते हैं, L by K, L by K क्या था, L was the difference of the two shells. तो इसका मतलब small r minus r1 divided by, yes, sorry, resistance, r1 है. Small r minus r1 divided by K into 4 pi small r into r1 is equal to r2 minus r divided by 4, sorry, K, पहले तो K आएगा, K into 4 pi into small r into r2। देखो एक बार समझ आई कि नहीं आई एक्सप्रेशन? हाँ सर, ठीक है। अब k, सॉरी क्या लिखे, k कट गया, 4 pi कट गया और एक small r भी कट गया, और इसको रीअरेंज करेंगे तो आएगा आपके पास small r into r2 minus of r1 r2 is equal to r1 r2 and minus of r1 into r, so small r की जो value आ रही है, this is coming out to be 2 r1 r2 divided by R1 plus R2, that's it. हो गया आंसर? समझ आई सभी को? अगर आप गलत तरीके से करते तो आप बिना कोई लॉजिक का करते तो आप क्या बोलते हैं, एवरेज टेम्परेचर पूछा है, मतलब एवरेज ऑफ रेडियस भी होना चाहिए था, मतलब R1 plus R2 by 2, और ऑब्वियसली वो एक ऑप्शन में होता है, बट वो ऑप्शन आंसर में नहीं होता, मतलब सही आंसर नहीं होता। आपको समझ आ गई क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? समझ आ गई है? ठीक है, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इमेजिन करो हमारे पास एक ऐसा एक शेल है,
शेल है और इसकी इनर रेडियस मान लेते हैं R1 है एंड आउटर रेडियस हमारी R2 दे रखी है। और हमें ये मेंशन कर रखा है कि अंदर में टेम्परेचर हमने T1 मेंशन कर रखा है एंड आउटर में T2 मेंशन कर रखा है। द क्वेश्चन सेज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरीज विथ रेडियल डिस्टेंस आर एज K equal to K naught by capital R 2 का square and into small r का square। ठीक है, this is the value given। Now they say find the net heat current through the sphere। आपको ये फाइंड करनी है हीट करंट के थ्रू कितनी हीट करंट स्फीयर के थ्रू फ्लो कर रही है। अब आपको तुरंत एक चीज जो ध्यान रखनी है कि इस बार आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को मतलब R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ जो 4 पाई R1 R2 करते थे वो आप नहीं कर पाएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इस बार कंडक्टिविटी क्या यूनिफॉर्म नहीं है, समझ आ रही है आपको? क्योंकि वो एक्सप्रेशन डिराइव था यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी के लिए। So, ये रीजन बस इतना जस्टिफाई कर लीजिए सिंस मटेरियल इज नॉट यूनिफॉर्म, वो एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म के लिए है। तो कैसे करेंगे अगर जवाब वही है, इंटीग्रेशन वाला नहीं है आपका। पहले आप एक डिफरेंशियल एक शेल जो चूज कर रहे थे उसके लिए जो इसे हीट करंट लिख रहे थे वैसे ही स्टार्ट करिए। हीट करंट की जब हम वैल्यू लिख रहे थे तो हम कैसे लिख रहे थे? के ए इंटू नेगेटिव ऑफ DT/DR, आपको याद है एक्सप्रेशन। और हमने एरिया की वैल्यू को ही 4πr² सब्स्टिट्यूट किया था, तो सब्स्टिट्यूट करो ना। इस बार k भी तो वेरिएबल है, उस k की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करो। तो k का वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा k नॉट इनटू r2 का स्क्वायर इनटू स्मॉल r1 का स्क्वायर, सॉरी स्मॉल r स्क्वायर, एंड फिर यहां पे एरिया भी आएगा। सो दिस विल बी 4π into small r square एंड इनटू माइनस ऑफ DT/DR आएगा। एंड फिर अब वेरिएबल को सेपरेट करो एंड फिर इंटीग्रेट करो, आंसर फिर आ जाएगा। So, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, dr डिवाइडेड बाय r^4 इज इक्वल टू, वापस से लिखे तो ये हो जाएगा k नॉट इनटू 4π एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल h विद अ नेगेटिव साइन एंड दिस विल बी dt। और इसको इंटीग्रेट करना है आपको r1 से r2 तक, और ये जीरो से लेके सॉरी t1 से t2 तक। कैपिटल r2 स्क्वायर कहाँ गया? R2 स्क्वायर भी रहेगा, छूट गया क्या? हाँ, ये R2 स्क्वायर रहेगा। ठीक है हाँ सर, वी गेट सो दिस इज 4π into k नॉट डिवाइडेड बाय h इनटू R2 का स्क्वायर एंड इनटू ये हो जाएगा T1 - T2। मैंने T2 - T1 को T1 - T2 लिख दिया, इसलिए नेगेटिव हटा दिया। और LHS में आपको दिख ही रहा है यहाँ पे DR/R^4 है, तो ये जाएगा x^n+1/n+1 है, तो ये जाएगा -1/3 × r^3 आएगा। सही है क्या? सही है अरे सही है नहीं, ये तो बोल दो। हाँ सर सर ठीक है। सो अब इसके लिमिट्स डाल दो आप। अब इसके लिमिट्स डालोगे तो R1 से R2 लिमिट्स डालने हैं, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा -1/3 एंड इनटू ये माइनस को हटाई देते हैं, लोअर माइनस अपर कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 1/r1³ एंड -1/r2³ हो जाएगा। एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 4πk0 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाय एच इनटू r2² हो जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगी ये r²-r1³ डिवाइडेड बाई 3 × r³ × r²³ इज इक्वल टू 4πk0 × Δt एंड डिवाइडेड बाई h इंटू r² r² कैंसिल आउट कर लेते हैं। और यहाँ से देखोगे तो आपको फाइनली हीट करंट मिल गई है। सो हीट करंट इज कमिंग आउट टू बी टेम्परेचर डिफरेंस इंटू 4πk0 एंड डिवाइडेड बाई This is
आर टू का क्यूब माइनस आर वन का क्यूब एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ थ्री टाइम्स ऑफ आर वन क्यूब इंटू आर टू, ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है? आपको स्टेप समझ आ रही है ना क्या करना है? ठीक है, आपको थर्मल कंडक्टिविटी ऑब्वियसली वेरिएबल दिख सकता है, वेरिएबल अगर दिखेगा तो पहला स्टेप ये लिखना और उसके बाद फिर एरिया को बस सब्सटीट्यूट करोगे, एरिया कहाँ गया, एरिया को सब्सटीट्यूट करोगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसके साथ साथ के वैल्यू को भी सब्सटीट्यूट करना जो भी दिया होगा, और उसके बाद फिर वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करना। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, आवाज तो आ रही है ना? ठीक है, ओके, चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अ रिजिड बॉक्स कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी। मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा उन्होंने, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज सी। द वॉल्स ऑफ द बॉक्स हैव टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ए, थिकनेस टी नॉट एंड थर्मल कंडक्टिविटी के। इनिशियली द गैस इज एट अ टेम्परेचर टी नॉट एंड प्रेशर पी नॉट। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज टी नॉट बाई टू। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एरिया और थिकनेस आपको दे रखा है, कंडक्टिविटी दे रखा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इनसाइड द चेंबर वो दे रखा है टी नॉट है। आपको पता है कि कोई भी चीज अगर गर्म है तो फाइनली ठंडा होकर एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग के टेम्परेचर पे तो आ ही जाएगा, तो इसलिए ये टी की वैल्यू फाइनली तो टी नॉट बाई टू पे आएगा, बट इसके किसी भी एक टाइम टी पे अगर आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करनी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए वही शुरुआत करते हैं। लेट अस से कि ये टाइम टी का ही मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, दिस इज ड्रॉन एट अ टाइम टी एंड टाइम टी के बाद टी प्लस डी टी टाइम के बाद फिर से ड्रॉ करते हैं। तो टाइम टी प्लस डी टी के बाद जब टेम्परेचर दिखाओगे तो आप टी के साथ जगह क्या दिखाना पड़ेगा, टी प्लस डी टी दिखाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इसको ऐसे दिखाता हूँ मैं तो आपको समझ आएगा बेटर मैं क्या बोल रहा हूँ। दिस इज से ये जो सिचुएशन ड्रॉ कर रखा है, दिस इज एट टाइम टी मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज टाइम टी पे एंड फिर इसी का एक डुप्लीकेट में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं टेम्परेचर को टी प्लस डी टी दिखा रहा हूँ एंड टाइम को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज टी प्लस डी टी, सॉरी टी प्लस डी टी। तो टाइम डी टी बढ़ा है एंड उससे टेम्परेचर डी टी घट गया है। ये डी टी आपका ऑब्वियसली जो टेम्परेचर का चेंज है वो नेगेटिव क्वांटिटी होगा, ये समझ आ रहा है आपको? हाँ, ठीक है, दिस टेम्परेचर का चेंज दिस विल बी अ नेगेटिव टर्म, पक्का है, क्योंकि वो ठंडा हो रहा है सराउंडिंग के टेम्परेचर में, वो ठंडा हो रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अफेक्ट नहीं होगा, वो टी नॉट बाई टू ही रहेगा। ये समझ आ रही है सभी को? ठीक है, समझ आ रही है ना आपको? तो अगर इसके लिए हीट करंट की इक्वेशन लिखोगे तो हीट किधर से फ्लो कर रहा होगा? ये हर जगह से फ्लो कर रहा होगा, जहां जहां स्पेस दिखेगा उसको वहां वहां फ्लो कर रहा होगा। थर्मल कंडक्शन तो पूरे के पूरे बॉल से होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अगर देखोगे तो ये लीनियर फ्लो वाला ही केस है ऑलमोस्ट, है नहीं है? है नहीं है, दिख रही है आपको? हाँ सर, तब एक एक ही लाइन्स पे फ्लो कर रहे हैं। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो इसका इंडिपेंडेंटली हीट फ्लो कर रहा है, इसका इंडिपेंडेंटली हीट फ्लो कर रहा है, इसका इंडिपेंडेंटली हीट फ्लो कर रहा है, सबका हीट करंट को डायरेक्टली ऐड कर दो तो हीट करंट के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखोगे आप तो हीट करंट की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, दिस इज के ए इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जब आप टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखोगे, के ए इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट इज टी माइनस ऑफ टी नॉट बाई टू, सॉरी टी माइनस टी नॉट बाई टू एंड डिवाइडेड बाई थिकनेस, थिकनेस इज टी नॉट। देखो आपको समझ आ रही क्या ये? समझ आ रही है? समझ आ रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आपको? सॉरी, पानी पी लीजिए। ठीक है, ठीक है। सो हीट करंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अगर इसको दूसरे तरीके से, तो अब दूसरे तरीके से उसने कौन सा डेटा हमको दे रखा है, देखो उसने मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दे रखा है। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर आप याद करो कैलोरीमेट्री में जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको कुछ टर्म सिखाए थे, डेल्टा क्यू की वैल्यू को हम लोग एम एस इंटू डेल्टा टी लिखते थे और इसी को हम लोग एन इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी भी लिखते थे, याद है आपको? नंबर ऑफ मोल्स इंटू स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या था? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, रिमेंबर? ये जो एम एस वाला टर्म है इसको हीट कैपेसिटी सिर्फ कहते थे, सिर्फ हीट कैपेसिटी, याद है? और वैसे ही एन और सी का जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे आप?
इसको आप मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये सिर्फ सी वाला होगा, सिर्फ सी, बट जब आप नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये वाला टर्म आपका मोलर हीट कैपेसिटी बन जा रहा है। तो इसमें हमें जो काम है बेसिकली इसका ही काम है, ये जो एन और सी का प्रोडक्ट है, ये वाला क्वांटिटी बेसिकली मोलर हीट कैपेसिटी है, ठीक है। ये जो सिर्फ स्मॉल सी लिख रहे हैं, दिस इज ये, इसको सी भी लिख देता हूं जस्ट क्योंकि मोलर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला दे ही रखा उसने, तो सी भी जो लिख रहे हो ये आपका क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक वर्ड आपका एडेड होगा वहां पे, ठीक है। तो अब dq की h आपको पता है dq by dt है, दिस इज dq by dt, तो dq by dt को जब आप लिखोगे क्या लिखोगे, दिस विल बी ये मोलर हीट कैपेसिटी उसने c दे रखा सिर्फ, इसको क्या लिख सकते हैं, c into dt by dt, कैसा लिख सकते थे सोचिए, देखो क्या इसको c into dt by dt लिख सकते थे, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी उसने c दे रखा है, दिया है ना c, ठीक है ना। अब यहाँ पे नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि dt आपको पता है खुद एक नेगेटिव टर्म है, पता है ना आपको dt नेगेटिव टर्म है, तो dt का नेगेटिव टर्म है, तो इस केस में आपको एक नेगेटिव अपनी तरफ से तो डालना पड़ेगा ना यहाँ पे, तभी तो पॉजिटिव बनेगा। अब आप वेरिएबल्स को सेपरेट करो और इंटीग्रेट करो, तो ka ए बाई टी नॉट dt अलग हो गया, एंड दिस इज माइनस ऑफ c इंटू dt डिवाइडेड बाई टी माइनस ऑफ टी नॉट बाई टू आ गया, और अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, इंटीग्रेशन का लिमिट जीरो से लेके टी तक, क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा था उसने, और इनिशियली आपका टेम्परेचर टी नॉट था एंड आफ्टर टाइम टी टी मान लिया आपने, अब इसकी वैल्यू को फिर से वापस से करें, सो के ए डिवाइडेड बाई टी नॉट एंड इंटू टी इज इक्वल टू माइनस सी इंटू दिस इज एल एन ऑफ टी माइनस ऑफ टी नॉट बाई टू, ये अपर लिमिट हो गया, एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपके पास टी नॉट माइनस ऑफ टी नॉट बाई टू, एंड ये सिंपल सा रिजल्ट है। सो यार ये माइनस ऑफ सी इंटू एल एन ऑफ दिस इज टी नॉट बाई टू आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ टी बाई टी नॉट बाई टू माइनस वन, ये हो जाएगा, ये हो गई के ए बाई टी इंटू टी नॉट। सो देयरफॉर एक्सप्रेशन जो आ रही है फाइनली आपकी आ रही है टू टी बाई टी माइनस ऑफ वन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ के ए टी डिवाइडेड बाई सी इंटू टी नॉट, ये आ रही है, ये टी नॉट है, सो देयरफॉर टेम्परेचर की वैल्यू हो गई है टी नॉट बाई टू इंटू वन प्लस ई टू द पावर माइनस ऑफ के ए इंटू टी डिवाइडेड बाई सी इंटू टी नॉट, ये फाइनल आंसर होगा। एक बार जस्ट टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू इन्फिनिटी डाल के देख लो कि आंसर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। टी इक्वल टू जीरो डालो, टी इक्वल टू जीरो डालोगे तो ई टू द पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा ना, और ई टू द पावर जीरो अगर वन हो गया तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, और टी नॉट बाई टू इंटू टू कितना आ रहा है, टी नॉट आ रहा है जो कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस इन दी मतलब कंटेनर था। फिर अगर टी की वैल्यू आप इन्फिनिटी डाल दोगे तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी डालने से ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी खुद जीरो हो जाएगा, तो वन प्लस जीरो वन रह जाएगा एंड टी नॉट बाई टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो टी नॉट बाई टू इंटू वन बिकम्स टी नॉट बाई टू, इसका मतलब फाइनली उसकी जो इन्फिनिट टाइम के बाद जो टेम्परेचर होगी दैट विल बी टी नॉट बाई टू, जो कि करेक्ट भी है क्योंकि स्टडी स्टेट में उसको कौन से टेम्परेचर पर पहुंचना है, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर पहुंचना है, तो वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर आ जाएगा इन्फिनिट टाइम के बाद, ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है, यस सर, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A black plane surface at a constant high temperature TH is parallel to another black parallel black plane surface at constant lower temperature TL. मतलब ऐसा कुछ सिनारियो है यहाँ पे, यहाँ पे एक ब्लैक सर्फेस है और यहाँ पे एक ब्लैक सर्फेस है, ये दो सर्फेस है, इसकी टेम्परेचर मैंने TH और इसकी टेम्परेचर TL दे रखी है, इस क्वेश्चन में यही दे रखी है, TH और TL दे रखा है। Between the plates is vacuum. In order to reduce the heat flow due to radiation, a heat shield consisting of two thin black plates thermally isolated from each other is placed between the warm and cold surfaces and parallel to these. मतलब ऐसा कुछ है, ये पहले का केस है, एंड बाद में उसने क्या किया है, इसी में दो और सरफेस आपके इंसर्ट कर दिए,
यहाँ पे एक सरफेस इंसर्ट किया और यहाँ पे एक सरफेस इंसर्ट कर दिया ऐसे. अब ये दो और इंसर्ट हो गए बिटवीन. एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. In order to reduce heat flow due to radiation, a heat shield consisting of two thin black plates, thermally isolated from each other, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, is placed between the warm and cold surfaces and parallel to these. ठीक है. After some time, stationary conditions are obtained. Stationary मतलब steady state आ गया है. By what factor eta is the stationary heat flow reduced due to the presence of the shield? मतलब पहले अगर heat current flow कर रहा था एक मतलब h मान लेते हैं और बाद में अगर फ्लो कर रहा है n टाइम्स ऑफ h, अच्छा रिड्यूस बाय फैक्टर बोला है तो h बाय n फ्लो कर रहा है तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कितनी आएगी. जैसे h बाय 2 हो गया, सपोज हीट करंट आप देखा निकाला और देखा h बाय 2 आ रही है तो उस केस में जो फैक्टर ईटा पूछा उसने वो फैक्टर ईटा बेसिकली 2 हो जाएगा, मतलब 2 के फैक्टर से रिड्यूस हो गया. दैट इज व्हाट यू विल से. तो एक बार लिखना शुरू करते हैं कि यू नो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखो इधर सबसे पहले पहला हीट करंट कितना आप ये फाइंड आउट कर लो. व्हाट इज द फर्स्ट हीट करंट यहां पे, ये हीट करंट कितनी होगी, इसको एच कह लेते हैं. तो ये हीट करंट कितना होगा कैसे लिखेंगे आप, ये थर्मल रेडिएशन से ये ध्यान रखना. ये इसने कह रखा है ये थर्मल रेडिएशन है, सो दिस दिस नॉट अ पार्ट ऑफ कंडक्शन, दिस इज थर्मल एमिशन. तो इसमें ऐसे सोचो कि यहाँ पे एक ब्लैक प्लेट है, ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक ब्लैक प्लेट है यहाँ पे ऐसा, एंड इसके पैरेलल यहाँ पे एक और ब्लैक प्लेट है. तो इधर से इधर हीट फ्लो नेट फ्लो करेगी, क्यों, क्योंकि ब्लैक मतलब जो हाई टेम्परेचर वाला सर्फेस है उधर से ज्यादा हीट करंट फ्लो करेगा. तो उस केस में ये ब्लैक सरफेस, इस साइड का जो ब्लैक सरफेस है वो कितना एमिट कर रहा होगा वो निकाल सकते हैं हम. आपको याद है स्टीफन बोल्ट्ज़मैन लॉ, सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, याद है आपको? हाँ सर. याद है यहाँ से कितनी लेफ्ट साइड से कितनी हीट करंट फ्लो कर रही है वो आपको पता चलेगी कितनी है. सिग्मा ई एमिसिविटी तो 1 हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए एंड इंटू टी एच का पावर 4, ये आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा होगा, बट राइट से लेफ्ट भी तो आ रहा होगा और वो कितना आ रहा होगा, सिग्मा ए इंटू टी एल एंड इसका पावर 4. देखो तो यही आ रहा होगा क्या, सही लिखा मैंने, सही लिखा है? अरे हाँ याना तो बोल दो. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यही चीज अब हम सेकंड वाले केस में फाइंड करने की कोशिश करेंगे कितनी हीट करंट फ्लो कर रही है. ये मान लेते हैं हम लोगों ने एच डैश फाइंड कर रखा, ठीक है, लेट्स से दिस हीट करंट इज एच डैश, ये वैल्यू चेंज हो चुकी है. अब यहाँ पे ये एच डैश फ्लो कर रही है, स्टेडी स्टेट आने का मतलब है हर चेंबर में आपका हीट करंट जो होगा वो सेम फ्लो कर रहा होगा, स्टेडी स्टेट अगर आ चुका है तो एच डैश फ्लो कर रही है. अब ये एच डैश की वैल्यू अब हम एक एक करके यहाँ से फिर से वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था हमने. बस ये ध्यान रखना है कि अभी प्लेट्स भी आ गए यहाँ पे, तो यहाँ एक प्लेट का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का प्लेट का टेम्परेचर T2 है. ये T1 T2 मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ, बस इसको लास्ट में एलिमिनेट भी करेंगे. अब देखो एक एक करके मैं लिख रहा हूँ, ये एच डैश की वैल्यू अगर मैं लिखूँ यहाँ से तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज सिग्मा इंटू ए इंटू टी एच का पावर 4 माइनस ऑफ T1 का पावर 4. देखो सही लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है. वैसे ही अब एच डैश की वैल्यू अब सेकेंड वाली चेंबर में लिखो तो क्या लिखोगे आप, सिग्मा ए इंटू T1 का पावर 4 माइनस ऑफ T2 का पावर 4. वैसे ही थर्ड चेंबर में लिखो एच डैश की वैल्यू, ये हो जाएगी सिग्मा ए इंटू T2 का पावर 4 माइनस ऑफ TL का पावर 4. और उसके बाद क्या करो, इन तीनों को ऐड कर दो आप, क्योंकि इन दिनों को ऐड करोगे तो T1 T2 जो आपने वेरिएबल चूज किए थे वो कट जाएंगे. तो क्या हो गया, 3H डैश की वैल्यू आ गई है, सिग्मा ए इंटू TH का पावर 4 एंड माइनस ऑफ TL का पावर 4. अगर आप देखोगे तो वैल्यू फर्स्ट एच और ये लास्ट में जो 3H डैश निकाला ये दोनों सेम ही है, तो क्लियरली आपकी H डैश जो आ गई वो कितनी आ गई है, H बाई 3 आ गई है. इसका मतलब जो हमारा ईटा फैक्टर था वो कितना हो गया, 3 हो गया. तो इसका मतलब फैक्टर 3 से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. समझ आई सबको? Yes. इसको एक रिजल्ट की तरफ याद भी रख सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है. बस ये देखो कि इसमें कितने सारे चेंबर्स डिवाइड हो रहे हैं. ये जो एक चेंबर था उसमें कितना चेंबर बनाया उसने, 3 चेंबर बनाया दिख रहा है आपको. तो जितने चेंबर बनेंगे बीच में, जितने चेंबर बनेंगे उतना ही फैक्टर से बेसिकली रिड्यूस हो जाता है. अगर आप यहाँ पे 5 चेंबर बनाते, मतलब 4 प्लेट इंसर्ट करते, 4 प्लेट इंसर्ट करने से 5 चेंबर बन जाएगा, तो 5 चेंबर बनेगा तो उसके इसमें क्या होगा, 5 का फैक्टर से क्या होगा, आपका हीट करंट रिड्यूस हो जाएगा. समझ आइए आप सभी को? Yes, sir. So, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं. So, therefore, the number of plates inserted if it is x, then the number of chambers created, number of
chambers created will be x plus 1. And hence, the factor by which heat current reduces will be x plus 1. That's what we find. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. ये थर्मल एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन है वापस से. इसमें दो रॉड्स हमने ले रखे हैं. एक है y1 यंग्स मॉडुलस का, एरिया a1 दे रखा है, लेंथ l1 दे रखा है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 1 दे रखा है. वैसे सेकंड रॉड के लिए भी पैरामीटर्स दे रखा है. और उसके बाद पूरा है कि इस पूरे सेटअप का हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बाय अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ डेल्टा थीटा. एंड आपको ये बताना है कि जंक्शन में कितना शिफ्ट होगा. ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, बस यहाँ पे क्या था, इस साइड में मैंने एक स्प्रिंग लगाया था. आपको याद है क्वेश्चन क्लास में किया था? हाँ सर. याद है आपको? हाँ सर, याद है. उसमें कंसेप्ट क्या यूज करते थे याद है? कि पहले हम ये इमेजिन करते थे कि इसका फ्री एक्सपेंशन अगर होता तो पूरा एक्सपेंड होता दोनों का, फिर वो वैसा कर दिए थे. हाँ, पहले इंडिविजुअली ये सोचा कि मतलब जो रॉड है उसका फ्री एक्सपेंशन होता तो कितना होता. और उसके बाद फिर ये सोचा कि ठीक है, फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं पे आई है तो कहाँ पे आई है. और उसके बाद फिर उन दोनों से जो चेंजेस दिख रहे थे वो डिफॉर्मेशन बेसिकली आपको वहां से कैलकुलेट करना था. सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी प्रोसीड करनी पड़ेगी. तो मैं एग्जैक्टली यहाँ से वैसे ही प्रोसीड कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे ये मैं एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ही मुझे वो सारे लेंस को मार्क करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ कर लिया है. तो मेरे लिए ये वाली सेटअप अलग है. दिस इज वन साइड ऑफ सेटअप. तो इसका फ्री एक्सपेंशन कंसिडर कर लेते हैं. ये फ्रीली एक्सपेंड अगर कर रहा है तो मान लेते हैं यहाँ तक चला गया है. दिस इज गॉन अप टू दिस पोजिशन. ये लेंथ हमारा डेल्टा L1 होगा. और डेल्टा L1 आपको पता है, दिस विल बी L1 इनटू अल्फा 1 इनटू डेल्टा थीटा हो जाएगा. ठीक है, ये L1 डेल्टा L1 हो गया. वैसे अब इधर से सेकंड वाले रॉड के लिए निकालें फ्री एक्सपेंशन करके. अगर ये फ्रीली एक्सपेंड करेगा तो यहां से कुछ इतना लंबा हो जाएगा मान लेते हैं. लेट्स से यहां तक लंबा हो चुका है. और जितना लंबा ये हो चुका है, ये इलोंगेशन होता है डेल्टा L2 एंड दैट विल बी L2 इनटू अल्फा 2 इनटू डेल्टा थीटा. बट आपको पता है दोनों तो एक्सपेंड नहीं कर सकता, कोई एक ही एक्सपेंड करेगा दूसरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा. तो फाइनली जब हम लेंथ दिखाएंगे तो इनके बीच में कोई एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आपको लेंथ दिखाना पड़ेगा. तो मैं वैसे ही सिचुएशन को चूज कर रहा हूँ. तो मैं ये चूज कर लेता हूँ कि ये इतना दूर पे आके रुक गया है. ऐसे आके कुछ रुक गया. ठीक है, ये फाइनली सिचुएशन है. तो अब अगर इफेक्टिवली देखोगे तो किसका कितना इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन हुआ है, आपको जंक्शन शिफ्ट के रिस्पेक्ट में निकालनी है. तो जंक्शन शिफ्ट किया है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है एक्स, दिस इज द शिफ्ट इन द जंक्शन. तो अगर आप देखोगे तो जो पतला वाला रॉड मैंने दिखा रखा है उसके लिए एक्चुअली कॉम्प्रेशन हुई है. ये आपको समझ आ रही है? उसके लिए कॉम्प्रेशन हुई है. दिख रही है आपको कॉम्प्रेशन? हाँ सर. कितने की कॉम्प्रेशन हुई है, कितनी है? डेल्टा L2 माइनस x. राइट. एंड जो पहला वाला रॉड है उसके लिए भी इनफैक्ट कॉम्प्रेशन हुई है. और वो कॉम्प्रेशन कितनी हुई है? डेल्टा L1 प्लस x. दिख रही है आपको? राइट. आपको पता है कि जो फोर्स होती है प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ. एंड जो स्ट्रेच्ड लेंथ एट हायर टेम्परेचर होता है वही तो नेचुरल लेंथ होता है ना. राइट. ये जो आपने मार्क कर रखा है, ये वाला जो मार्क कर रखा है, ये उसका नेचुरल लेंथ है एट हायर टेम्परेचर, ये भी नेचुरल लेंथ है एट हायर टेम्परेचर. तो जब आप इलोंगे मतलब फोर्सेस कैलकुलेट करते हो तो वो इसके रिस्पेक्ट में ही तो इलोंगेशन या कंप्रेशन आप निकालेंगे. तो अब आप क्या करोगे, सिंस इक्विलिब्रियम आ चुकी है तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ से जो फोर्सेस आपके मिलने चाहिए, इधर से एक रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा, इस फोर्स को F1 कह रहे हैं, और इधर से एक रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगी, इसको F2 कह रहे हैं.
तो F1 और F2 क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में आपकी सेम होनी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल एट इक्विलिब्रियम। और अगर इक्वेट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फोर्स की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, के इक्विवेलेंट फर्स्ट रॉड के लिए निकालिए और उसकी इलोंगेशन से आप उसको मल्टीप्लाई करिए, मतलब ये इलोंगेशन जो उसके लिए आई है या कॉम्प्रेशन जो भी आप निकाल रहे हैं, तो कॉम्प्रेशन जो आई है फर्स्ट रॉड के लिए आई है डेल्टा एल वन प्लस एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू के इक्विवेलेंट सेकेंड रॉड के लिए एंड दैट इज इनटू के डेल्टा एल टू माइनस एक्स। देखो समझ आई क्या आपको, आइए समझ। Yes, अब k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, y a by l, so y1 into a1 by l1 into delta l1 plus x, this will be y2 into a2 divided by l2 and that multiplied with delta l2 minus x, and फिर अब आप इसको रीअरेंज कर लो, x की वैल्यू आपको चाहिए ना, हमको तो शिफ्ट इंजंक्शन ही निकालना था, हाँ शिफ्ट इंजंक्शन निकालना है तो हमको x ही निकालना है यहाँ पे, तो x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी y2 a2 इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय l2 डेल इनटू डेल्टा l2 एंड माइनस ऑफ y1 a1 बाय l1 इनटू डेल्टा l1 डिवाइडेड बाय दिस होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दिस विल बी हमें क्या क्या लेना है यहाँ पे y1 a1 by l1 by l1 and plus y2 a2 by l2 हो गया, that's it, देख लो एक बार, क्लियर है सबको, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, मेन बात यही है कि आपको इलोंगेशन या कंप्रेशन किस लेंथ के रेस्पेक्ट में लेना है ये चीज आपको समझ आना चाहिए, उसके बाद तो कुछ नहीं है। तो स्प्रिंग जैसे तो पूरा सेम ही तो है ना, ये सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब वहां पे स्प्रिंग में एक्चुअली मतलब स्प्रिंग में कोई हीटिंग की वजह से स्प्रिंग में हम लेंथ में कोई चेंजेस कंसिडर नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या है दोनों पार्ट में इलोंगेशन हो रहे, फ्री एक्सपेंशन में दोनों का एक्सपेंशन होता, तो वो एक डिफरेंस बस है। चलो ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स केटीजी के ले लेते हैं, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज में जो दिखाना था वो दिखाया, अभी इस पे आगे मूव करते हैं। ये पीवाईक्यू है, बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। एज शोन स्कीमेटिकली, क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे होते हैं, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस लंबे लंबे होते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने का आदत नहीं है ना, मतलब लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत नहीं है, मतलब क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज लंबा होता है बट उसका डिकोड करने के बाद सोल्यूशन जो निकलता है वो छोटा निकलता है, वो एक अलग बात है, बट लैंग्वेज क्वेश्चन का बहुत ही लंबा होता है, नीट में ऐसे नहीं होते, मेडिकल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो इतने लंबे लंबे होते हैं, यहाँ देखो आप ये देखो कितने छोटे छोटे फॉन्ट में लिखे हैं और फिर भी कितना लंबा दिख रहा है क्वेश्चन, सो दिस इज पैराग्राफ बेस्ड, नहीं नहीं ये पैराग्राफ बेस्ड नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट वाले में, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट वाले में, पैराग्राफ वाला तो अलग ही है। पहले फिलहाल के लिए क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हमको लगेगा हम उसको अंडरलाइन किया करेंगे। As shown schematically in the figure, two vessels contain water solutions at temperature T of potassium permanganate of different concentration N1 and N2, N1 greater than N2 molecules per unit volume. सबसे पहली चीज है कि concentration को उसने small n symbol से indicate किया है, और concentration का मतलब तो हमें पता ही है molecules per unit volume होती है, but फिर भी ये उसने mention कर रखा है, एंड ये भी मेंशन किया है कि डिफरेंस ऑफ कंसेंट्रेशन बहुत ही छोटा है, अगर आप किसी भी एक साइड के कंसेंट्रेशन से उसको कंपेयर करोगे बहुत ही छोटा है, ठीक है, ये मेंशन कर रखा उन्होंने। अब उन्होंने मेंशन किया कि व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब ऑफ लेंथ स्मॉल लेंथ एल, आपको देखो बीच में एक ट्यूब दिख रहा होगा, ये ट्यूब है इन दोनों के बीच में और वो बहुत ही छोटे लेंथ का है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एस, मतलब इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन भी आपको एस मार्क करके दे रखा है, के MnO4 स्टार्ट्स टू डिफ्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेसल, लेफ्ट से राइट की तरफ आपका डिफ्यूज करना स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली ज्यादा कंसेंट्रेशन जिस तरफ होगा उस तरफ से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गैसेस का डिफ्यूजन होता है, गैसेस में भी जब आप एक चेंबर में अलग कंसेंट्रेशन का गैस फिल करोगे दूसरे चेंबर में अलग कंसेंट्रेशन का गैस फिल करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे ही आप उस पार्टीशन को हटाओगे तो उस केस में क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन वाले चेंबर से लोअर कंसेंट्रेशन वाले चेंबर की तरफ क्या होता है, डिफ्यूजन शुरू होता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक दोनों तरफ का कंसेंट्रेशन सेम नहीं होता, क्योंकि कंसेंट्रेशन सेम होगा तो प्रेशर भी सेम हो जाएगा, तो ये चीज जैसे उसके लिए हो रहा था एक्जैक्टली वैसे यहाँ पे भी करवा रहे हैं। KMnO4 starts to diffuse from left to the right vessel through the tube.
कंसिडर द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बिहेव एज डाइल्यूट आइडियल गैसेस. ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसने लिक्विड को हमें आइडियल गैस की तरह ट्रीट करने के लिए बोला है. ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं जहां पे मतलब आपकी जो सोच है वो बिल्कुल हिला के रखेंगे. वो सोच हिला के रखने का मतलब क्या है कि लिक्विड है बट उसको गैस की तरह मतलब कंसिडर करने के लिए बोल रहे हैं. आइडियल गैस है मतलब आइडियल गैस इक्वेशन भी वैलिड होगा क्योंकि वो कह रहे हैं लिक्विड को आपको आइडियल गैस की तरह ट्रीट करना है. मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो KMnO4 के डिफ्यूज कर रहे हैं सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं. मतलब बाकी जो सोल्यूशन है मतलब जो सॉल्वेंट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं. वो सिर्फ और सिर्फ KMnO4 के बारे में बात कर रहे हैं कि KMnO4 के जो मॉलिक्यूल्स हैं आप उसको मान के चलिए कि वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं. उसके बाद एंड द डिफरेंस इन देयर पार्शियल प्रेशर, डिफरेंस इन देयर पार्शियल प्रेशर इन द टू वेसल कॉजिंग डिफ्यूजन. मतलब फर्स्ट वेसल में जो KMnO4 का प्रेशर होगा, सेकेंड वाले में जो प्रेशर होगा, उन दोनों की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही बेसिकली डिफ्यूजन हो रही है. ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि गैस डिफ्यूज ही करते हैं हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ. एंड ये तब तक फ्लो होता है जब तक प्रेशर दोनों तरफ का क्या होता है, इक्वेट नहीं हो जाता. तो यही उसने कह रखा है कि जो पार्शियल प्रेशर का जो वैल्यू है दोनों चेंबर में उनकी डिफरेंस की वजह से ही बेसिकली डिफ्यूजन हो रही है. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. उसके बाद उसने कह रखा है द स्पीड वी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लिमिटेड बाय विस्कस फोर्स माइनस बीटा वी ऑन ईच मॉलिक्यूल वेयर बीटा इज अ कॉन्स्टेंट. मतलब कि अगर मॉलिक्यूल स्पीड वी से मूव कर रही है तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगी वो बीटा वी लगेगी. ये वाली बात भी आपको फैक्ट की तरह कहीं ना कहीं तो पता है कि अगर एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल होती है और वो स्फेरिकल मॉलिक्यूल अगर एक विस्कस लिक्विड के थ्रू मूव करती है तो उस पर विस्कस फोर्स कितनी लगती है, 6πeRv लगती है, विच इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, राइट. तो यही चीज उसने कह रखा है कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स लगेगी, विस्कस फोर्स लगेगी मूवमेंट की वजह से, वो लगेगी बीटा वी. माइनस बीटा वी बेसिकली माइनस का मतलब है कि वो डायरेक्शन में बोल रहे हैं कि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. और ये एक मॉलिक्यूल पे है, एक मॉलिक्यूल पे. तो अगर फ्लो में अगर 1000 मॉलिक्यूल होंगे तो विस्कस फोर्स भी आपको 1000 टाइम्स ऑफ बीटा वी कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि पर मॉलिक्यूल उसने मेंशन कर रखा है. देखो यहाँ पे ये बीटा वी इज ऑन ईच मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल है. ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. दिस इज ऑन ईच मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल पे, एक मॉलिक्यूल पे है. तो फ्लो तो थोड़ी ना एक मॉलिक्यूल करेगा, फ्लो तो बेसिकली बहुत सारे मॉलिक्यूल करेंगे. तो इसलिए विस्कस फोर्स भी आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल पे लेना पड़ेगा. अब उसने कह रखा है नेग्लेक्टिंग ऑल टर्म्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा एन स्क्वायर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, के बी इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अब उसके बाद उसने चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चारों ऑप्शन को एक एक करके एनालाइज करना है क्योंकि चारों ऑप्शन जो है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है बेसिकली. पहले ऑप्शन पे मूव करते हैं. The force causing the molecules to move across the tube is delta N into KB into T into S. मतलब किसकी वजह से ये आपका मतलब लिक्विड मूव करना स्टार्ट कर रहा है. इसका हिंट उसने ऑलरेडी क्वेश्चन के लैंग्वेज में दिया था, यहां पे देखो दिया था. Difference in their partial pressure in the two vessels causing the diffusion. Right? इसका मतलब प्रेशर की वजह से ही डिफ्यूजन हो रहा था. तो प्रेशर की वजह से अगर डिफ्यूजन हो रहा था तो प्रेशर की वजह से ही बेसिकली कितना फोर्स जनरेट हो रहा है आप ये निकाल सकते हैं. आप प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर लो और उसके बाद फिर एरिया से मल्टीप्लाई कर देना. अगर आप सोचो लेफ्ट चेंबर से जो प्रेशर आ रहा है P1 है और राइट चेंबर से जो प्रेशर आ रहा है वो P2 है. तो P1 अगर ज्यादा होगा कंपेयर टू P2, P2 से अगर बहुत ज्यादा है P1 तो फ्लो रेट तो बहुत ज्यादा होगा ना. बट अगर इन दोनों का डिफरेंस ऑफ प्रेशर बहुत कम होगा तो फ्लो रेट भी कम होगा. ये आपको समझ आ रही है? ओके, समझ आ रही है. तो हमें यही चीज उसने कह सकता है द फोर्स कॉजिंग द मॉलिक्यूल्स टू मूव अक्रॉस द ट्यूब इज. तो पहले पार्ट को पहले कर रहे हैं. तो व्हाट आई एम डूइंग इज ओवर हियर आई एम अटेम्प्टिंग द फर्स्ट पार्ट. तो पहले तो आपको प्रेशर निकालना पड़ेगा. प्रेशर निकालने के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी आप यूज करो. पीवी इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी. इसको पता है आप इसी चीज को आप ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म से लिखते हैं तो मॉलिक्यूल्स के टर्म से लिखते हैं तो एन के इंटू टी लिखते हैं. लिखते हैं ना पीवी इक्वल टू एनआरटी को पीवी इक्वल टू एन के टी लिखते हैं. अब इसी को आप लिख सकते हो पी इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय वी एन इंटू के इंटू टी. अब एन बाई वी मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, यही कंसेंट्रेशन हो गया. देखो दिस इज कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ ना, हुआ ही नहीं हुआ. एन बाई वी को, I mean, N को N by V कैसे हो गया अचानक से? कौन सा V को LHS में ले, LHS से RHS में लाया ना. अरे PV का V को हटाया ना. देखा नहीं, सॉरी. अरे ठीक है, सो यहाँ से आया. अब इसका मतलब है अगर मैं लेफ्ट चेंबर का अगर प्रेशर निकालता P1 निकालते तो उसको हम क्या लिख सकते थे, N1 into KT लिख सकते थे ना क्योंकि कंसंट्रेशन उसका N1 दिया हुआ था. एंड वैसे ही अगर P2 निकालते, P2 तो कितना लिखते इसको हम, N2 into KT लिखते, into KT, राइट. तो अब जो फोर्स मोशन कॉज करवा रहा है, फोर्स कॉजिंग मोशन जो अगर लिखें, फोर्स कॉजिंग मोशन इसको F लिख रहे हैं and that will be equal to delta P, मतलब pressure difference, इसके साथ area multiply करना है. तो pressure difference के लिए लिखेंगे तो N1 minus N2 हो जाएगा, into KT आ जाएगा, and जो area दे रखा है उसने S दे रखा है. तो ये हो गया delta N into K
into t into s. देखो ऑप्शन वन मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन वन मैच कर रहा है डेल्टा एन इंटू के बी इंटू टी इंटू एस, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन वन इज करेक्ट. ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन टू देखो क्या क्वेश्चन का सोल्यूशन लेंथ दिया क्या? देखो सोल्यूशन लेंथ दिया क्या? नहीं. देखो जस्ट पी वी इक्वल टू एनआरटी से सॉल्व हो गया जस्ट, और कुछ किया ही नहीं हमने. आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको काफी कंफ्यूजिंग लगेगा क्वेश्चन, अरे यार कैसे निकाले. बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी कह रखा है. फिर आप पार्ट बी पे आते हैं. नाउ वी कम टू पार्ट बी. ठीक है, पार्ट बी को सॉल्व कर रहे हैं. उसने कह रखा है फोर्स बैलेंस इंप्लाइज, फोर्स बैलेंस कैसे होगा? देखो उसके लिए उसने हिट दे रखा था. उसने कह रखा था स्पीड वी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लिमिटेड बाय द विस्कस फोर्स बीटा वी. मतलब ऐसा नहीं है कि स्पीड आप लगातार बढ़ा ही चले जाओ, क्योंकि जब भी विस्कस फोर्स आ रही है तो विस्कस फोर्स आने की वजह से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद आप फ्लो वेलोसिटी को बढ़ा नहीं पाएंगे. क्यों? क्योंकि जिस केस में आप सोचो, जैसे आप ग्रेविटी में ही सोचो कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो लिक्विड में ही सोचो गिराते हैं तो लिक्विड से ज्यादा डेंसर ऑब्जेक्ट होता है तो भी उसकी वेलोसिटी इनिशियली बढ़ती है, बट फाइनली एक पॉइंट के बाद तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है. कांस्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जब आपकी फोर्स कॉजिंग मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड फोर्स अपोजिंग मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तब वो क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है. राइट, करता है ना? हाँ सर. तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी होगा. ये एक्सेस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो पुश हो रहा है, उसको एक सर्टेन वेलोसिटी वो देना चाह रहा है, बट वो वेलोसिटी जो है वो घटा, मतलब इफेक्टिवली देखोगे तो विस्कस फोर्स क्या करेगा, उस फोर्स को बेसिकली बैलेंस करके इफेक्टिवली वेलोसिटी को बढ़ने नहीं देगा. इसीलिए वो कह रहे हैं कि बेसिकली लिमिटेड है स्पीड जो है वो, आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बढ़ा सकते हैं एब्सर्ड वैल्यू पे, दैट विल बी लिमिटेड बाय द विस्कस फोर्स बीटा वी. आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब ये विस्कस फोर्स आपकी बैलेंस भी हो जाएगी. तो अब आपको क्या करना है, आपको वो बैलेंसिंग फोर्स पहले फाइंड आउट करना है कि कितनी है और उसके बाद फिर उसको फोर्स कॉजिंग मोशन से इक्वेट कर देंगे. तो पहला है विस्कस फोर्स, आप कैलकुलेट करो कि कितनी है विस्कस फोर्स ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4. ये आपको फाइंड करनी है. तो इसको एफ वी कह रहे हैं. ठीक है, विस्कस फोर्स के लिए एफ वी लिख रहे हैं. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये देखो एक मॉलिक्यूल पे बीटा इंटू वी है ना, एक मॉलिक्यूल पे कितनी है, बीटा वी है. तो इसके साथ आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द ट्यूब, यही फाइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्लो कहां पे हो रहा है, ट्यूब में ही तो फ्लो कर रहा है. तो अब मॉलिक्यूल्स ट्यूब में कितना है कैसे फाइंड आउट करें, कंसेंट्रेशन से अगर मैं एरिया वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूं तो मिल जाएगा क्या, कंसेंट्रेशन से अगर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा, n by v into v से n आ जाएगा. हाँ सर. तो इस केस में सोचो, अब देखो एक चीज का ध्यान दो आप, जैसे आपका ट्यूब ये है, एक मिनट इसको ड्रॉ कर देता हूं मैं, दिस इज द ट्यूब जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं एंड इधर से सोचो ये आपका प्रेशर पी वन है एंड यहाँ पे आपका प्रेशर पी टू है और यहाँ से हम ये फ्लो कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ से लिक्विड जो है वो फ्लो कर रही है इसे. ठीक है, अब ये सोच के देखो इस साइड का कंसेंट्रेशन जो है, इस साइड का लेफ्ट साइड का कंसेंट्रेशन आपका n1 है, लेफ्ट साइड का कंसेंट्रेशन n1 है, राइट साइड का कंसेंट्रेशन n2 है, बट उसने ये भी दे रखा है कि n1 माइनस n2 जो है ये बहुत छोटा है n1 से. इसका मतलब क्या, मैं ये मान सकता हूं कि यहां का कंसेंट्रेशन, यहां का कंसेंट्रेशन, यहां का कंसेंट्रेशन, यहां का कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट कह रहे हैं सेम है. समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं, समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे यह चाहिए कि इसके अंदर का कंसेंट्रेशन कितना, ये चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर का कंसेंट्रेशन मिल गया तो कंसेंट्रेशन से हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, टोटल मास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं ना. राइट, तो इसका कंसेंट्रेशन मैं यही मानूंगा कि यहाँ का कंसेंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ और यहाँ का कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही है. तो बस यही चीज अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ. देखो तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ दिस इज इक्वल टू एन वन इंटू, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक से बढ़ा देता हूँ, एन लिख लिया कंसेंट्रेशन के लिए एंड इंटू वॉल्यूम के लिए लिख लें तो ये लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन ये लिख लेंगे. ये जो एन लिख रखा है दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ KMnO4 इनसाइड ट्यूब. ठीक है, एंड इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली आप n1 लिख सकते हैं. ठीक है, सिंस वही लॉजिक है n1 माइनस n2, मतलब n1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n2, ये लिख सकते हैं. ठीक है, बस इतना ही है. सो देयरफॉर विस्कस फोर्स जो आई है दैट इज कम आउट टू बी बीटा वी इंटू n इंटू सॉरी n1 n1 into ls, क्योंकि आंसर में देखो उसने n1 के टर्म्स में दे रखा, देखो यहां पे n1 के टर्म्स में दिया, देखो इसीलिए मैं n1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, नहीं तो n2 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे. आंसर में अगर n2 होता तो n2 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे. तो ये आ गई आपके लिए, एंड देयरफॉर फोर्स बैलेंसिंग अगर कर रहे हैं आप, फोर्स बैलेंसिंग
इसका मतलब क्या होगा, आप f की वैल्यू को fv से इक्वेट करेंगे। अब f की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, डेल्टा n kts, डेल्टा n इंटू kts, और विस्कस फोर्स कितनी निकाली आपने, बीटा v इंटू n1 इंटू ls। SGS cancel out, and आपके पास expression आई है beta V into N1 into L is equal to delta N into K into T. एक बार value check कर लेते हैं, N1 into beta VL, N1 into beta VL is equal to delta N KT. देखो exactly match कर रहा है, दिख रहा है, दिख रही है सभी को? हाँ सर। पार्ट सी में उसने कह रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द क्यूब पर सेकंड, वो कितनी है, तो कितनी मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रही है कैसे निकालेंगे आप, अब वॉल्यूम फ्लो रेट अगर पता चल जाए, वॉल्यूम फ्लो रेट उसके साथ आप बस क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट अगर पता चल जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल को बस मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा ना, राइट। वॉल्यूम फ्लो रेट किसी भी फ्लूइड के लिए हम कैसे निकालते हैं, ए इंटू वी करके, राइट, सॉरी एरिया इंटू वेलोसिटी करके, याद है बर्नौली सिरो में ही आपने ये सीखा है कि किसी भी ट्यूब के थ्रू कितनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रही है पर सेकंड, कैसे निकालते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी करके। तो यहाँ पे ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है, एंड फ्लो वेलोसिटी भी पता है, तो फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मिल गया, एंड वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो के साथ फिर हम कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ फ्लो मिल जाएगा। समझ आइए आपको, समझ आइए? हाँ सर। चेक करो कहीं छोड़ दें, अभी एक बार लिख लेते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर क्यूब, ये निकालना है हमें, इसको तो छोटा कर देते हैं, छोटा नहीं करना, ये सो नाउ वी मूव टू पार्ट सी। पार्सी में हमें ये फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द ट्यूब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग ट्यूब पर सेकंड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो एंड दैट मल्टीप्लाइड विद कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन। सो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो के लिए एरिया इंटू वेलोसिटी करते हैं, एंड कंसेंट्रेशन के लिए आप अकॉर्डिंगली स्मॉल एन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एरिया आपका एस है एंड फ्लो वेलोसिटी स्मॉल वी है, एंड इसके साथ कंसेंट्रेशन आपने एन वन लिख रखा है, तो एस वी इंटू एन वन की वैल्यू चाहिए आपको, एस वी इंटू एन वन की वैल्यू उसको निकालनी है, तो एस वी इंटू एन वन की वैल्यू को आप निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। आप यहां से देखो, यहां से हम वी की वैल्यू को निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, वी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यहां से निकाल सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो ये हो जाएगा s into v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, v is delta n into k into t divided by beta into n1 into l, and इसके साथ n1 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n1 कैंसिल आउट हो गई है, एंड ये वैल्यू आ रही है आपके पास s into delta n into kt divided by beta into l आ रही है, क्लियर है, क्लियर है? S into delta n kt by beta l, S into delta n kt by beta l, देखो exactly match कर गया, दिख रहा है? S into delta n kt by beta l, दिख रहा है? Yes. उसके बाद उसने कह रखा है rate of molecules getting transferred through the tube does not change with time. देखो अगर आप देखोगे option C में delta मतलब rate of flow जो है वो आपका molecule का concentration difference पे dependent है, दिख रहा है? दिख रहा है, डिपेंडेंट ऑन कंसेंट्रेशन डिफरेंस, इसका मतलब ये कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा फ्लो रेट भी उतना ज्यादा होगा, अगर ये कंसेंट्रेशन डिफरेंस कम होता जाएगा तो फ्लो रेट भी क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, ये आपको समझ आ रही है?
समझ आ रही है आपको? हाँ। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये कंसंट्रेशन डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहने वाला है? जैसे जैसे आपकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है तो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो तो घटता जा रहा है ना, N1 माइनस N2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, घटता जाएगा। एंड अगर वो घटता जा रहा है तो ऑब्वियसली फ्लो रेट भी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है। सो दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, इन्होंने कॉन्स्टेंट कह रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, rate of transfer will be proportional to delta n and delta n will decrease with time, with time। समझ आई सभी को? समझ आई है या नहीं आई है? ओके हाँ सर। ठीक है हाँ सर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं। ये क्वेश्चन आसान है बट कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन के आपको तरीके थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो जेई के जितने लोग भी प्रिपरेशन करते हैं उनका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन को जानते हुए भी कैलकुलेशन में छोड़ के आएंगे और कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। अ हॉट एयर बलून इज कैरिंग सम पैसेंजर्स एंड अ फ्यू सैंड बैग्स ऑफ मास 1 kg ईच सो दैट इट्स टोटल मास इज 480 kg। Its effective volume giving the ball the buoyancy is V. The ball is floating at equilibrium at a height of 100 meter. When n number of sandbags are thrown out, the balloon rises to a new equilibrium height close to 150 meter with its volume remaining unchanged. मतलब ऐसा कुछ सिनारियो है जैसे ये सोचो आपका हॉट एयर बलून बना रहे हैं, this is a hot air balloon. एंड ये अर्थ के सरफेस से 100 मीटर ऊपर है, दिस इज 100 मीटर एंड इसका मास 480 kg है, दिस इज 480 kg। उसके बाद उसने कह रखा है कि इसको हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा अनलोड कर दिया है, अनलोड करा और अनलोड करने के बाद ये थोड़ा सा ऊंचा राइज कर चुका है 150 meter। ये वाली हाइट आपकी 1 meter होनी चाहिए, 150 meter होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें से n नंबर ऑफ सैंडबैग्स अनलोड किए हैं और हर एक सैंडबैग की मास आपकी 1 kg का है, तो अब कितना वेट बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे अगर मास लिख रहे हैं तो ये m मास का, m का वैल्यू कितना होगा? 480 माइनस n, 480 माइनस n इंटू जी, राइट, kg हो जाएगा, राइट, समझ आ रही है? इतनी kg की वैल्यू होगी। अब बॉयंट फोर्स जो आता है वो क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पे आता है। तो सराउंडिंग एयर जो है, एयर की डेंसिटी देखो, उसने हाइट की वेरिएशन दे रखी है, ये जो डेंसिटी की वेरिएशन देखो क्या दिख रही है आपको, रो नॉट इनटू ई टू द पावर माइनस एच इनटू एच नॉट। ये इनफैक्ट आपको पता है, ये डेंसिटी का वेरिएशन मैंने ड्रॉ यू नो कैलकुलेट, अच्छा नहीं, हाँ आपके क्लास में किया तो है, डेंसिटी का वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ हाइट को प्लॉट किया था ना, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज किया था, नहीं किया था, मुझे याद नहीं आपके क्लास में किया था क्या, एक्सपोनेंशियल मतलब जब आप लिक्विड में फाइंड आउट करते हैं तो लिक्विड में डेप्थ के साथ क्या होता है, लीनियरली डिक्रीज करता है, बट एयर में जब आप फाइंड करेंगे तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है हाइट के साथ, जो उसकी जब आप डेंसिटी की बात करते हैं। हाँ ये डिराइव तो किया हुआ है, प्रेशर का वैल्यू मैंने डिराइव किया था एंड प्रेशर से उसके बाद फिर आपका डेंसिटी का भी वेरिएशन ये किया है डिराइव, आप अपने नोट्स में देख लेना, फ्लूइड में आपको मिल जाएगा। तो अभी क्या करना है, हाँ क्या है ना, सर देखा मैं नोट्स, हाँ हाँ ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अभी आप क्या चेक करोगे, यहाँ पे चेक करो तो हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट केस में अगर मैं कंडीशन लिखता हूँ इक्विलिब्रियम के लिए तो क्या लिखेंगे आप, 480 जी की वैल्यू किससे मैच करनी चाहिए, बॉयंट फोर्स से, एंड बॉयंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगी, यही होगी ना, राइट, करेक्ट लिख रहा हूँ। और ये डेंसिटी की वैल्यू आपको यहाँ की लिखनी है, मतलब इसकी डेंसिटी को मैं रोवन लिख लेता हूँ, बट बाद में जब आप लिखोगे तो कंडीशन क्या लिखोगे इक्विलिब्रियम के लिए, क्या लिखोगे, 480 माइनस एन into g that should be equal to rho 2 into v, ये लिखेंगे ना, क्योंकि उसने बोला था ना buoyancy जो volume से मिल रही है वो वाली value change नहीं की है, right, वो वाला volume देखो unchanged देखा है, with its volume v remaining unchanged, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इन दोनों equation को आप divide कर दो, इन दोनों equation को divide कर दो, देखो आपको क्या value मिल रहा है, so what you're getting is 480 divided by 480 minus n is equal to rho 1 by rho 2 आ रही है, and rho 1 और rho 2 को divide करो, रो तो खुद ही रो नॉट इनटू ई टू द पावर माइनस एच बाय एच नॉट है, तो उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास, दिस विल कम आउट टू बी यार ई टू द पावर माइनस एच वन, ई टू द पावर माइनस ऑफ
ये है 100, सो 100 डिवाइडेड बाय h नॉट, h नॉट इज 6000 एंड डिवाइडेड बाय दिस इज e टू द पावर माइनस ऑफ 150 एंड डिवाइडेड बाय दिस इज अगेन 6000. सो ये वैल्यू आ रही है आपके पास e टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 6000. ये आ रही है, डेसिमल हटा दें तो यार ये है e टू द पावर 1/512, 120. यार ये क्या, देखो तो सही लिखा मैंने? हाँ सर. अब देखोगे अगर तो अब आपको बस अब देखो आपको यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है. बस ये देखो ये कैलकुलेट करनी है 480 बाय 480 माइनस n इज इक्वल टू e टू द पावर 1/120. बस ये कैलकुलेट करना है, बस इतना ही तो है, खत्म. अगर आपको e टू द पावर 1/120 का वैल्यू कैलकुलेट करना आता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. अब बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, e टू द पावर 1/120 कैसे होगा? ये कैलकुलेशन ऐसे होगा, आपको बेसिकली इसके एक्सपेंशन बस एक जाननी है. ई टू द पावर एक्स की वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली 1+x लिखते हैं अगर एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से. ये बिल्कुल बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की तरह ही है. बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जैसे आप याद रखते हैं कि 1+x टू द पावर एन को आप अप्रोक्सीमेटली 1+nx लिखते हैं ना? हाँ सर. राइट, वैसे ही ई टू द पावर एक्स की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 1+x लिखते हैं अगर एक्स की वैल्यू आपकी 1 से बहुत छोटी है. तो अब इसको भी देखो सेम तरीके से अगर प्रोसीड करें तो इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली कितनी लिखेंगे आप? जैसे अप्रोक्सीमेटली भी कितनी लिखेंगे आप? 1/120. So this which is 121 divided by 120, यही है ना? Right? Oh, हाँ. ठीक है, अब आप क्या करो यहाँ पे इक्वेशन जो आपके पास आ गई वही आई है 480 डिवाइडेड बाई 480 माइनस एन इज इक्वल टू 121/120, यही आ रही है. अब आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा लो यहाँ पे. कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन में, ए प्लस बी मतलब 960 माइनस एन बाय ए माइनस बी मतलब सिर्फ एन इज इक्वल टू, अच्छा इससे काम तो आसानी हुआ, बेकार टाइम वेस्ट कर दिया, 241 आ गया है ना, ये तो 241 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, अच्छा ठीक है, वही तो गया. सो एन की वैल्यू आ रही है देखो यहाँ से, दिस इज कमिंग आउट टू बी 960 डिवाइडेड बाय 242. ये आ रही है क्या? आ रही है? आ रही है? हाँ सर. अगर आप देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? 24 into 4 is 96. ओके हाँ सर, अप्रोक्सीमेटली 4 है. तो कितने सैंडबैग्स हमने फेंके थे? चार. चार सैंडबैग फेंके थे. तो दिस विल बी 4. इसमें क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि अगर आपको आंसर को राउंड ऑफ करना पड़ता है नियरेस्ट इंटीजर पे, तो नियरेस्ट इंटीजर पे हम राउंड ऑफ करके तो 4 ही लाएंगे. अंडरस्टूड? ओके ठीक है. देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बट क्या था, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए. क्वेश्चन अगर आप लास्ट बार से लगता है सर फिजिक्स में मैथ ज्यादा हार्ड रहता है. नहीं, मैथ्स हार्ड नहीं रहता है, मतलब वो कैलकुलेशन आप कह सकते हैं. देखो मैथ्स इज डिफरेंट फ्रॉम अरिथमेटिक. अरिथमेटिक इज बेसिकली नंबर्स एंड मैथ्स इज एंटायरली डिफरेंट. मैथ्स तो सिर्फ नंबर का खेल नहीं है ना, उसमें तो लॉजिक भी बहुत सारे है. इसमें तो बेसिकली नंबर्स का खेल है. दीज आर नंबर्स, नंबर का खेल. ये मैथ्स नहीं है, ये अरिथमेटिक कह सकते हैं आप उसको. अरिथमेटिक है ये. कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. मैथ्स स्ट्रॉन्ग है नहीं, ये मैटर नहीं करेगा. कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. देखो, अ थर्मली आइसोलेटेड सिलिंड्रिकल क्लोज्ड वेसल ऑफ हाइट 8 मीटर इज केप्ट वर्टिकली. ये भी कैलकुलेटिव है, आपको दिखेगा आगे चल के. देखो, इज केप्ट वर्टिकली, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ डायथर्मिक परफेक्टली परफेक्ट थर्मल कंडक्टर फ्रिक्शनलेस पार्टीशन ऑफ मास 8.3 केजी. मास एग्जैक्टली इस पार्टीशन का 8.3 केजी दे रखा है. Thus the partition is held initially at a distance of 4 meter from the top, as shown in the schematic figure. Each of the two parts of the vessel contains 0.1 mole of an ideal gas at a temperature of 300 Kelvin. So this is 0.1, main likh deta hu yahan pe. This is 0.1 mole, yahan pe bhi 0.1 mole, and yahan pe temperature aapka 300 Kelvin hai, and yahan pe bhi temperature aapka 300 Kelvin hai. Theek hai? उसके बाद मेंशन कर रखा, द पार्टीशन इज नाउ रिलीज्ड एंड मूव्स विदाउट लीकिंग, विदाउट एनी गैस लीकिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर. मतलब मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, बट हीट एनर्जी का ट्रांसफर आपस में हो सकता है. मतलब इधर से इधर वे, इधर से इधर या इधर से इधर आप फ्लो करवा सकते हैं, बट इसके बाहर कहीं भी फ्लो नहीं कर सकता. मतलब इधर से ये पूरा का पूरा चेंबर जो है इंसुलेटेड है. ठीक है, थर्मली आइसोलेटेड देखो उसने मेंशन कर रखा है. सो द हीट फ्लो कैन बी बिटवीन देम बट नॉट फ्रॉम द सराउंडिंग.
समझ आ रही है? अमंग्स देम कर सकता है बट सराउंडिंग से नहीं कर सकता, और मैटर का ट्रांसफर नहीं करना एक दूसरे से, ठीक है? ये देखो आपका विदाउट एनी गैस लीकिंग ये मेंशन कर रखा उसने, इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं है, हीट ट्रांसफर बस आपस में हो सकता है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टीशन फ्रॉम द टॉप विल बी, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो फिर आपका पार्टीशन का सेपरेशन फ्रॉम द टॉप कितना आएगा आपको वो कैलकुलेट करना है। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे अच्छा इस पहले एक सिंबल सिंबल बनाते हैं, ये इमेजिन करो यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका चेंबर का पार्टीशन आ चुका है, थोड़ा नीचे आ चुका है, दिस इज द पार्टीशन। तो आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है ऊपर से, ये डिस्टेंस एक्स बतानी है, एक्स आपसे पूछा गया है। अगर ये एक्स है तो नीचे से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 - x होगा, राइट? होगा। देखो अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं वो, इफ दे आर टॉकिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इतना तो पक्का है आपको फोर्स बैलेंसिंग करनी है, राइट? है ना, है या नहीं है? इक्विलिब्रियम की अगर बात कर रहे हैं इसका मतलब आपको फोर्स बैलेंसिंग करनी है। तो यहाँ पे देखो ऊपर का चेंबर जो है उसका तो पक्का है प्रेशर घट जाएगा, इसके प्रेशर को मैं P1 मान रहा हूँ, और नीचे का जो चेंबर है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, इसके प्रेशर को मैं P2 मान रहा हूँ। सो फिर P1 का प्रेशर घट गया है, P2 का प्रेशर बढ़ गया है, और इस पिस्टन का अपना भी तो एक वेट होगा, तो पिस्टन का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, इस पिस्टन का सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, तो पिस्टन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया आपने, तो आप यहां से क्या दिखाओगे, एक प्रेशर का फोर्स P1 इनटू एरिया, फिर नीचे से एक प्रेशर का फोर्स P2 इनटू एरिया, और एक इसका खुद का वेट होगा mg। और बैलेंसिंग करनी है तो मतलब क्या लिखना पड़ेगा, एट इक्विलिब्रियम अगर हम मेंशन कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या लिखेंगे, P1 इनटू एरिया प्लस mg, दिस शुड बी इक्वल टू P2 इनटू एरिया। सही लिखा मैंने? सही लिखा है? सही लिखा है? नहीं लिखा? हाँ सर। अब प्रेशर की वैल्यू को आप लिखोगे कैसे, हाउ विल यू राइट प्रेशर, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के आपको प्रेशर लिखना है, बट प्रेशर के लिए आपको वॉल्यूम भी चाहिए एंड टेम्परेचर भी चाहिए। ऑब्वियस है आपका दोनों साइड का टेम्परेचर सेम रहेगा, बट कितना रहेगा आपको ये नहीं पता, यू डो नॉट नो कि कितना टेम्परेचर रहेगा इन दोनों का। तो इतना तो पक्का है कि अगर यहाँ का टेम्परेचर टी है तो यहाँ का भी टी होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ये कंडक्टिंग वॉल है, ये वॉल कंडक्टिंग है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर तब तक चलता रहेगा जब तक क्या होगा, जब तक दोनों का एक कॉमन टेम्परेचर नहीं आ जाता, राइट? दोनों आपस में हीट एक्सचेंज कर सकते हैं बट फाइनली एक कॉमन टेम्परेचर पे अटेन कर लेंगे। तो ये अगर प्रेशर की वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या लिखेंगे, एनआरटी बाई वी लिखेंगे, कंसंट्रेशन तो आपने चेंज नहीं किया, तो इसको लिखेंगे तो 0.1 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई वी लिखेंगे, वी लिखेंगे तो एरिया इंटू एक्स, एंड फिर एरिया मल्टीप्लाई किया प्लस mg, 8 आपका mg तो आपका 8.3 हो जाएगा इंटू g, इज इक्वल टू p2 लिख रहे हैं, तो ये 0.1 इंटू rt डिवाइडेड बाई एरिया इंटू एक्स एंड दैट मल्टीप्लाई विद एरिया अगेन। आप देखो एरिया तो कैंसिल आउट हो गया, ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया कैंसिल आउट हो गई है, एंड यहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास बच रही है, अच्छा गैस कॉन्स्टेंट भी कट जाएगा देखो, इसलिए उसने मास 8.3 दिया था ताकि वो गैस कॉन्स्टेंट से कट जाए। सो फाइनली जो वैल्यू आई आपके पास दैट हैज कम आउट टू बी, एक मिनट मैंने कुछ, अच्छा यहाँ पे गलत दिया, RHS में गलत दिया, x नहीं होगा वहाँ पे, 8 - x होगा उसका, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो ये है ना 8 - x दे दिए। देखो एक बार चेक करो, ठीक लिखा है मैंने, ठीक लिखा है? ओके या अब इसको रीअरेंज करते हैं, सो 0.1 इंटू टी इसको कॉमन कर ले, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/8 - x माइनस ऑफ 1/x एंड दैट विल बी इक्वल टू जी, जी का वैल्यू उसने दे रखा है 10 है, तो इसको 10 ले लेते हैं, और 0.1 को 1/10 लिखोगे तो 100 आ जाएगा, सो टी की वैल्यू आ रही है 100 इंटू एक्स इंटू 8 - x डिवाइडेड बाय दिस विल बी 2x - 8, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50x इंटू 8 - x डिवाइडेड बाय x - 4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन जो आपको टेम्परेचर के टर्म्स में मिल चुका है। देखो दिख रहा है आपको, क्लियर है? क्लियर है टेम्परेचर? हाँ सर। ओके, अब देखो टेम्परेचर को आपने एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन निकाला है, मतलब अगर x पता हो तो टेम्परेचर निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर पता है तो x निकाल सकते हैं, तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको। आपने एक इक्वेशन लिखा है अभी तक और वो है इक्विलिब्रियम वाला, एक और इक्वेशन है जो आपको लिखना है, वो क्या लिखना है आप सोचो। एक मास है जो ऊपर से नीचे आई है,
तो उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल का तो लॉस हुआ है ना, एक मास अगर ऊपर से नीचे आई है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की लॉस हुई है, और अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल की लॉस हुई है तो कहीं ना कहीं तो गेन होगा ना, और वो गेन कहाँ होगा, वो बेसिकली थर्मल एनर्जी का गेन होगा, थर्मल एनर्जी का गेन। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो इंटरनल एनर्जी है गैसेस की वो बेसिकली क्या हो गई होगी आपकी, इंक्रीज कर गई होगी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली इंटरनल एनर्जी का चेंज मतलब इंक्रीज, आपको डिक्रीमेंट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल जिसे क्या करना है, इक्वेट कर देना है, क्योंकि टोटल एनर्जी आपकी वेस्ट तो कहीं गई नहीं है, मतलब इस चेंबर से बाहर कहीं जा नहीं सकती है एनर्जी, इस चेंबर के अंदर ही जो भी एनर्जी आपकी कंटेंट है, हीट भी बोलो तो वो उसके अंदर ही कंटेंट है, क्योंकि वॉल्स आपके थर्मली इंसुलेटेड है बाहर वाले, तो इसीलिए आपकी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की लॉस हो रही है वही बेसिकली आपकी हीट में कन्वर्ट हो रही है, ये आपको मतलब इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए थी। अब इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए तो आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए, याद है n टाइम्स ऑफ एफ आर बाई टू इंटू टी, राइट, है ना, यस। बट यहाँ पे तो कहीं पे भी देखो उसने गैस का नेचर नहीं बोला है, मोनोटॉमिक डायटोमिक कुछ भी नहीं बोला। अब ये एक रूल है, ये पर्टिकुलर जेई वालों के लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि आपको ये सब चीजें तभी ध्यान रहेगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक दो करोगे तो पता नहीं चलेगा। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में यू नो गैस का नेचर नहीं मेंशनड है एंड आपको क्वेश्चन में गैस का नेचर का जरूरत पड़ रहा है कि मतलब मोनोटॉमिक है डायटोमिक है, तो आप हमेशा मान के चलेंगे कि मोनोटॉमिक है। क्या बोला, समझ आई आपको? ठीक है, तो ये आपको मानना पड़ेगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, नेचर ऑफ गैस या एटॉमिसिटी ऑफ गैस लिख लेते हैं, Atomicity of gas not given, और यहां पे ध्यान रखना है, in such cases always assume monoatomic if required, monoatomic if required, अगर required है तो monoatomic assume कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसकी इस assumption के basis पे अब मैं वो equation लिखने वाला हूँ, अपना second equation लिखने वाला हूँ। So मेरी second equation होगी, now हमको ये पता है कि gravitational potential energy का loss हुआ है, and that will be equal to the increment in internal energy of the gas, right? Gravitational potential energy का loss किसके लिए हुआ है, किसके लिए, उस piston के लिए जो नीचे आया है, वो कितने से नीचे आया, diagram देख के बताओ कितने से नीचे आया, x-4 piston कितने से नीचे आया है, x माइनस फोर से नीचे आया ना, x माइनस फोर से नीचे आया, राइट, ये डिस्टेंस आपको x दिख रहा है, आपको 4 दिख रहा है, तो कितने से नीचे आया, x माइनस फोर, x माइनस फोर, x माइनस फोर, सो ये आपकी 8.3 इंटू जी इंटू x माइनस फोर, ये हो गया, करेक्ट है, ठीक है, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल का लॉस हो गया। अब इसको इंटरनल एनर्जी के चेंज से आपको इक्वेट करना है, तो एनर्जी का चेंज कैसे लिखेंगे आप, n टाइम्स ऑफ fr by 2 into delta t, n कितना है 0.1 into 3r by 2 लिखा and into delta t करेंगे, delta t मतलब आपका t minus of t naught, and initial temperature आपको गैस का कितना दे रखा था उसने 300 केल्विन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा t minus of 300 हो जाएगा। देखो आपको समझ आया, n टाइम्स ऑफ fr by 2 into delta t क्या है, इसका दो चेंबर था ना, तो दोनों के लिए तो सेम ही होगा, 2 टाइम्स कर लिया, ठीक है, समझ आई आपको, दो चेंबर है ना, दोनों में तो सेम गैसेस हैं, सेम नंबर ऑफ मोल्स है, सेम इनिशियल टेम्परेचर, सेम फाइनल टेम्परेचर है, क्या नहीं दिख रहा तुझे, नहीं दिख रहा तुझे, ये नहीं दिख रहा, यहां पे भी है, यहां पे भी गैस है, नहीं दिख रहा, आप लोग को आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है, आवाज आ रही है सर, ठीक है, चलो एनीवेज अभी आगे प्रोसीड करते हैं। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर का 8.3 और ये गैस कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे g है और यहाँ पे 0.1 है, तो उसको 100 बना ही लेते हैं पहले, तो ये 100 टाइम्स ऑफ x माइनस 4, और ये हो गया आपके पास 3 टाइम्स ऑफ t माइनस ऑफ 300, ये हो गया। अच्छा, आपको निकालना था x, तो t को एलिमिनेट करना है, तो t की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो व्हाट यू डू इज सब्स्टिट्यूट कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ t की वैल्यू लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 50x into 8 minus x divided by x minus 4, x minus 4 and minus of 300, ठीक है, इसको 50 को कॉमन आउट कर लेते हैं, तो ये 100 टाइम्स ऑफ x माइनस फोर
is equal to 150. 3 into 50 is 150. अच्छा ऐसे लिख लेते हैं 3 into 50 देख लेते हैं कैंसिल कर देते हैं 3 into 50 and that multiplied with 8x minus of x square and minus of 6x plus 24 and divided by x minus 4 ये 50 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे so what you're getting is 2 times of x square plus 16 minus of 2 4s are 8 8x And that is equal to 3 8s are 24, 24x minus of 3x square. अच्छा क्या मैंने कर लिखा था? ये तो मुझे पता है. 8 में से 6 या 2 बचेगा, तो 2 into 3 6 बचेगा. So 6x आएगा सिर्फ. So 6x ये हो गया 3x square और ये जगह 3 into 24 is 72. So plus 72 आ गया. So what you're getting is 5x square और यहाँ है 16x and ये 6x इधर आएगा तो minus 22 हो जाएगा so minus of 22x and यहाँ पे plus है आपका 32 और इधर से 72 minus होगा तो ये होगा 40 नहीं minus 41 हाँ वही बोला माइनस ठीक है तो ये डिजिट आ गया बस ठीक है अब देखो क्वाड्रेटिक को बस सॉल्व करना है कुछ बचा नहीं है बस क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है सो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते सो x की वैल्यू आ जाएगी 22 प्लस माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac सो b स्क्वायर इज 484 माइनस प्लस 4ac 4 4s are 16 16 5s are 80 800 एंड डिवाइडेड बाय 2 5s are 10 So this is 22 plus minus of root under of 1284 and divided by this is 10. 1284. Iske closest kaun sa square hai? Which square is very close to this? 1296 kiska square hota hai? 32. 30. Right? 34. Aur ye 1284 hai. इसका मतलब जो स्क्वायर रूट लेंगे 1284 का तो दिस इज वेरी क्लोज टू बी 31.8 या 31.9 ऐसा कुछ आएगा है ना हाँ सर सो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं क्योंकि हमको वैसे भी वहां पे अप्रोक्सीमेट आंसर मिलना है सो दिस इज 22 प्लस माइनस ऑफ 31.8 नहीं होगा सर 33 होगा ना कम है ना वैल्यू 1296 से तो कम है क्या बोल रहे तो 32 ना 32 इज 1024 ये हम लोग को 1296 है और 32 अरे क्या लिखा मैंने 32 इज 2 टू द 5 अच्छा हां 34 इज 34 इज 1156 34 इज 129 हाँ हाँ 34 अच्छा क्या बोल रहा हूँ 36 into 36 is exactly अरे वैसे भी नहीं होता 32 का कैसे होगा 32 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में तो 4 ही रहेगा ना ये 1 यहाँ तो 96 है वो तो नहीं हो सकता था 36 into 36 is exactly 36 का स्क्वायर है 1296 36 तो ये हो जाएगा 35.8 83 approximately नहीं exactly देखो कैलकुलेटर यूज नहीं करना आपको अरे 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 यहाँ गलती देखो अभी तुम जो कर रहे हो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ ना कैलकुलेटर में पीट के निकाल सकता हूँ ये नहीं करना है आपको इतना बोल रहा हूँ ये कैलकुलेशन आपको अपने हाथ से करना है फिर भी यहाँ पे मेरे सामने कैलकुलेटर यूज करके दिखाया गधा कहीं का ओहो पागल लड़का एक नंबर का इतना बोलो फिर भी नहीं समझता तो वैल्यू अभी देखो यहाँ पे इनको डिवाइड बाय 10 करें तो ये हो जाएगा 22 एंड इसमें 35 ना 35 आएगा तो वैल्यू कितनी आ रही है ऑब्वियसली माइनस वाला रूट डिस्कार्ड हो जाएगा सो ये आ जाएगी 57.8 डिवाइड बाय 10 आ रहा है 5.78 मतलब ये हो गया 5.78 है ना और ये नियरेस्ट इंटीजर में आपको राउंड ऑफ करना है तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी अप्रोक्सीमेटली कितनी जाएगी 6 राइट है ना हाँ सर ये आपका कहाँ गया इन मीटर चाहिए आपको तो ये 6 मीटर हो जाएगा आंसर क्लियर है क्लियर है इसमें और भी मेरे प्लान थे दो और क्वेश्चन करने के तो दो क्वेश्चन और नहीं हो पाए टाइम का कम हो गया तो ठीक है इसको अगले दिन करेंगे चाहे तो अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं
आप नहीं भी कर पाएंगे, कम से कम दिमाग तो काफी सारा आपका लगाना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशंस प्लीज सर्च मत करिएगा इंटरनेट पे, अगर चाहिए कम से कम एटलीस्ट अगर सर्च करेंगे भी तो एक दो दिन ट्राई करके फिर उसके बाद यू नो सर्च करिएगा। एक दो दिन ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि दिन से लेकर रात भर यही कर रहे हैं, एक दिन में एक घंटा मैक्सिमम ट्राई करिएगा, मैक्सिमम एक घंटा ट्राई करिएगा दोनों क्वेश्चन मिला के मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद अगले दिन में भी वापस से अगर एक ट्राई करना है तो वैसे यू नो एक घंटा ट्राई किया दोनों क्वेश्चन को मिला के, अगर नहीं बनेगा फिर उसके बाद फिर आप छोड़ के आगे बढ़ जाना, अपना जो नॉर्मल काम कर रहे हो वही करते रहना। ओके ठीक है, एंड अगले वीक में जब हम मिलेंगे तो इसको ये दो क्वेश्चन पहले करेंगे और उसके बाद फिर मैं और क्वेश्चन भी लेके रखूंगा उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे होगा। यस सर। ठीक है।